सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कि अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया है दम तुझ में तो उसे पाके दिखा। कि अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया है दम तुझ में तो उसे पाके दिखा और लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और कह उस किस्मत से है दम तुझ में तो मिटा के दिखा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों आज है आप सभी की मैराथन क्लास। पेपर के पहले पेपर का संपूर्ण हल पेपर आउट, जो कहना है वो कह लेना, वीडियो में लास्ट तक देखना, यहां से 100% आपका प्रश्न फंसेगा मेरे दोस्तों, ये मुझे पूरा यकीन है और पूरे विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं मेरे दोस्तों। तो शुरू करने से पहले जितने भी भाई देख रहे हैं सबको शेयर जरूर कर देना, सबको शेयर कर देना कि यदि पेपर आए मैं क्वेश्चन फंसे तब दिलबाग हो जाए, क्योंकि इससे पहले भी हुआ है और इसके बाद भी होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आज का सेशन का आपके पहले प्रश्न को लेते हैं। चलिए दोस्तों आप लोगों के सामने जो पहला क्वेश्चन है कि एक ठोस घनाकार धात्विक टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है। ठोस है और कैसा है, घनाकार है। तो घनाकार है तो हम घन के आकार का बना लेते हैं, ये आपका घन है, ठीक है। घनाकार है तो भैया हम घन बना लेते हैं, ठीक है, ये समझिए, ये आपका बन गया। अब ये घनाकार है और टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ध्यान रखिए मेरे दोस्तों घनाकार है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 × a² क्यों होता है, क्योंकि घन जो होता है उसका जो चारों जो आप लोगों का ये होता है पृष्ठ होता है, घन में कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं और 6 पृष्ठ क्या होते हैं, समान होते हैं, क्योंकि घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है मेरे दोस्तों, बराबर होती है। तो उसी तरीके से देखिए, तो क्या है, देखिए कह रहा है कि एक घनाकार धात्विक टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहां पर हम लिखेंगे देखिए कि घनाकार टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, देखिए 216 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहां से हम क्या करेंगे मेरे दोस्तों, भुजा निकालेंगे। तो क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, 6 × क्या होता है, भुजा का स्क्वायर बराबर 216। तो भुजा का स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा, देखिए 216 में हम किसका भाग दे देंगे, 6 का भाग देंगे, तो भुजा का स्क्वायर बराबर कितना होगा, देखिए 36 × 18 = 36। तो भुजा अगर यहाँ से निकालेंगे मेरे दोस्तों तो कितना होगा, करड़ी में 36 होगा और भुजा अगर यहाँ से निकालेंगे तो आपका आएगा 6 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर आएगा। तो क्या पूछ रहा है, देखिए टुकड़े का आयतन, तो टुकड़ा किस शेप का है मेरे दोस्तों, घन के शेप का है, तो घन का आयतन, कहने का मतलब देखिए टुकड़े का आयतन मतलब कि घन का आयतन। तो लिखेंगे देखिए टुकड़े का आयतन बराबर हो जाएगा, देखिए भुजा का क्या होगा, क्यूब होगा। तो भुजा कितना है, देखिए निकाला हम लोगों ने कितना, 6 सेंटीमीटर। तो 6 का जब हम क्यूब करेंगे तो कितना होगा आपका, 216 घन सेंटीमीटर। क्या होगा मेरे दोस्तों, 216 घन सेंटीमीटर। तो इस टाइप का एक आपका क्वेश्चन बनेगा, इस बात को ध्यान देना। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देखिए कि 3x² + 10x - 8 का गुणनखंड कीजिए। एक आप लोगों का क्वेश्चन जरूर आएगा, या तो 2 नंबर में या 1 नंबर में, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 3x² + 10x - 8 दिया है, ये इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये होता है मेरे दोस्तों ax² + bx + c होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि a का c में पहले गुणा करते हैं, पहले क्या करेंगे a का c में गुणा करेंगे, तो क्या होगा, देखिए a गुणते c बराबर आएगा जो भी परिणाम आया था। इस तरीके से समझिए कि x स्क्वायर का गुणांक क्या है मेरे दोस्तों, 3 है, क्या है आपका, 3 है, तो मैंने 3 ले लिया गुणते,
अब देखिए सी मतलब अचर पद, इसमें अचर पद क्या है आपका, आठ है। क्या है मेरे दोस्तों, आठ है। तो आठ का जब मैं तीन में गुणा करूंगा तो आठ तरीका कितना होगा आपका, चौबीस होगा। कितना होगा, चौबीस होगा। तो ये जो गुणनफल आएगा, इस गुणनफल को दो भागों में आपको बांटना है, दो गुणनखंडों में इसको तोड़ना है। यदि आप गुणा करें तो आपको 24 मिले, जोड़ें या घटाएं तो आपको 10 मिले। कितना मिले मेरे दोस्तों, गुणा करें तो आपको 24 मिले और जोड़ें या घटाएं तो 10 मिले। ऐसा अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इसका क्या करिए, आप गुणनखंड कर लीजिए। दो से करेंगे तो आपका 12 आएगा, फिर दो से करेंगे तो आपका 6 आएगा, फिर दो से करेंगे तो आपका 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो आपका 1 आएगा। इसी तरीके से समझिए, एक तो आपका बन रहा है, देखिए अगर हम करेंगे देखिए तो 2 × 4 × 8 आएगा, 8 में 3 का गुणा करेंगे तो 24 तो बन रहा है मेरे दोस्तों। मगर 8 में यदि मैं 3 जोड़ रहा हूँ, कितना, देखिए अगर मैं इतना लेता हूँ तो 8 × 3 = 24, 8 में मैं 3 जोड़ूंगा तो 11 आएगा, या 8 में से मैं 3 घटाऊंगा तो 5 आएगा, ये आपका सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि 3 × 6 ले लेता हूँ, 2 × 4। तो ध्यान रखिएगा, 6 और 4 अगर मैं लूंगा तो 6 में मैं अगर मैं 4 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा। ये आपका आ जा रहा है बीच वाला मान, और गुणा कर रहे हैं तो आपका 24 भी आ रहा है। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 3x² + 10 की जगह पे आप क्या रखेंगे, देखिए 6 + 4x − 8। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये होगा देखिए 3x² + 6 का x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6x + 4 का x में करेंगे तो 4x − 8। अब क्या करना होता है मेरे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों में इनका दो दो का आपको पेयर बना लेना होता है, दो दो का पेयर बना करके इसमें कॉमन लेना रहता है। तो इसमें देखिए आपका क्या कॉमन है इन दोनों में, देखिए 3 तो इसमें कॉमन है, 3 × 6 है कि नहीं, 3 कॉमन है और एक्स भी तो कॉमन है मेरे दोस्तों। जब कॉमन है तो बचा के आपका देखिए 3x जब मैं कॉमन ले लिया तो इसमें बचा के देखिए 3 तो बाहर आ गया, अब x² में से 1x जब आपका कॉमन हो गया तो बचा के आपका x बचा x, अब प्लस 3x इसमें से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, 2 प्लस। अब जानिए इसमें से मैं क्या कॉमन लूं, x + 2 बचे। ध्यान देने की ये बात है कि इसमें से मैं क्या कॉमन लूं तो x + 2 बचे। अब देखिए इसमें अगर मैं कॉमन कुछ भी अगर मैं लूंगा, देखिए 4 अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो इसमें बचेगा देखिए x − 2, कितना बचेगा, x − 2 बचेगा। और यहां देखिए x + 2 बचा, यहां x − 2 बचा। इसका मतलब यह है मेरे दोस्तों कि ये जो मैं गुणनखंड कर रहा था वह मेरा सरासर क्या था, गलत था। क्यों गलत था, क्योंकि यहां देखिए x − 2 आ गया, यहां x + 2 आ गया, अब ये आपका सिस्टम जो है फेल हो जाता है। इसलिए मैंने किया कि ये बात आप लोगों को समझनी चाहिए पड़ेगी, और ऐसे अगर आप करके आ गएंगे तो एक क्वेश्चन आप लोगों का गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को बहुत ही अच्छे और तरीके से समझना है और बनाना है। देखिए मैं यहां पर मिटा देता हूं, ठीक है। अब देखिए समझिए, तब आप क्या करेंगे, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और गलत हो जाता है तब आप क्या करेंगे, तो इसी में से आपको बनाना होगा। देखिए 3 × 6 × 12 बन रहा है कि नहीं मेरे दोस्तों, बन रहा है, 12 भी बन रहा है, ठीक है। और 3 × 6 × 12, 12 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 12 × 24 होगा। अब 12 में से यदि मैं 2 घटाऊंगा तो क्या आपका 10 मिल रहा है, मिल रहा है मेरे दोस्तों, मिल रहा है। तो यही जो होगा आप सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें भी आप लोगों को कंडीशन रहता है कि दोनों का जो पक्ष लास्ट में जब हम कॉमन ले रहे थे ये भी दोनों आपका क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो चलिए फिर से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3x², अब 10 की जगह पे क्या मैं रख सकता हूँ, 12 − 2 x − 8। ये जो प्रोबेबिलिटी है आपको पहले ही कर लेना है, मैं जान करके गलत किया क्योंकि आपको इस बात को समझ में आना चाहिए। तो क्या होगा आपका, देखिए 3x² + 12 का x में गुणा करेंगे देखिए आपका 12x आ जाएगा, −2 का x में करेंगे तो 2x, और माइनस का कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 8 हो जाएगा। अब देखिए इनका दो दो का पेयर बनाइए, इसमें से देखिए क्या कॉमन है, तो आपका देखिए 3 और x कॉमन है, जब 3x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x, और प्लस भैया 12 में से 3 कॉमन ले लिए तो कितना बचा, देखिए 4 × 3 = 12, नहीं समझ में आ रहा है तो 3x का इसमें भाग दे दिया करिए, क्या करिए, जो कॉमन ले रहे हैं उसका क्या करिए, सब में भाग दे दिया करिए, तो आपको पता चल जाएगा। तो 12 में जब 3x का भाग देंगे तो आपका 4 आएगा, ठीक है। अब माइनस, इसमें से देखिए क्या कॉमन है, देखिए −2 है, यहाँ −2 अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो −2 ये पूरा आपका कॉमन हो गया तो बचा क्या, यहाँ पर देखिए x बचा, यहाँ −2 है तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, सॉरी x प्लस कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 4, देखिए x प्लस 4, इसका गुणा करेंगे तो −2 में तो −2x, और प्लस और माइनस माइनस 4 × 2 कितना होगा −8, ठीक है मेरे दोस्तों। अब देखिए x + 4 x + 4 दोनों सेम आया मेरे दोस्तों, तो क्या होगा आपका, देखिए x प्लस 4 हो जाएगा जब मैं कॉमन लूंगा x + 4, ऐसे समझिए कि एक ब्रैकेट में है, x + 4 क्या कर रहा हूं मैं, कॉमन लेकर के बाहर निकाल रहा हूं ब्रैकेट से, तो जब ब्रैकेट से मैं बाहर इन दोनों को निकाल रहा हूं तो बचा क्या, इसमें देखिए 3x बचा ब्रैकेट में,
और यहाँ बचा आपका माइनस टू, यही आपका क्या होगा मेरे दोस्तों, गुणन खंड हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको समझना है, किसी तरीके से ये फॉलो भी होगा तो कहीं प्लस माइनस आपका गलत हो जाता है मेरे दोस्तों। बहुत से लोग यही गलती करके आते हैं, इसलिए इस पर भी आप लोगों को बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन से देखिए कि निम्नलिखित सारणी में 50 शिक्षार्थियों का भार किलोग्राम में दिया हुआ है। ये शिक्षार्थी हैं, उनका भार जो है किलोग्राम में आप लोगों का दिया हुआ है, उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात करिए। मैंने आप लोगों को बताया था कि समांतर माध्य का केवल और केवल एक फॉर्मूला होता है, पदों का योग बटा के पदों की संख्या। लेकिन जब ये बारंबारता में दे देता है तो इसका एक फॉर्मूला आप लोगों का होता है, देखिए सिग्मा एफ एक्स बटा के सिग्मा एक्स, ये होता है आप लोगों का फॉर्मूला। तो ये कहाँ से आता है, सिग्मा एफ एक्स बटा के सिग्मा एफ होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा के सिग्मा एफ होता है। ये कैसे क्यों हो जाता है, जब मैंने आप लोगों को एक ही फॉर्मूला बताया कि समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है पदों का योग बटा के पदों की संख्या, तो ये कैसे आ जाता है इसको भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। और यकीन नहीं, पूरा विश्वास करना मेरे दोस्तों, आप कभी भी नहीं भूलोगे, ये मेरा यकीन है और विश्वास है। और देखिए आपको कैसे सॉल्व करना है, क्या होता है देखिए कि हम लोग यहां पर देखिए लास्ट में, इसके बाद हम लोग एफ एक्स निकालते हैं, एफ इंटू एक्स निकालते हैं अगर इस फॉर्म में है तो। अब ये क्यों निकालते हैं, जरा एक बात को इसको समझने की कोशिश करिएगा। इसके बाद हम देखिए क्या है कि 40 की ग्रह छात्रों की संख्या कितना है, चार है, कितने हैं 40 की ग्रह के छात्र कितने हैं, देखिए चार हैं। तो अगर मैं इसको अगर डिटेल में लिखूं तो 40 की ग्रह के चार छात्र मतलब कि ऐसे होगा 40 40 40 40, ये होगा मेरे दोस्तों 40। भाई 40 की ग्रह कितने, चार छात्र। वैसे ही 42 के कितने छात्र, 12, तो होगा 42 42 42, ऐसे ही करके आपके 12 12 आपका जाएगा, ठीक है। इसके बाद 43 की ग्रह कितने छात्र, 18 छात्र। तो फिर आगे हम लिखे थे 43 43 43, ऐसे 18 बार लिखते। फिर 44 के कितने हो गए, 10, तो फिर लिखते 44 44 44, 10 बार ऐसे लिखते। फिर 45 के कितने, 6, तो फिर लिखते 45 45 45 45, ऐसे लिखते मेरे दोस्तों, भाई 6 बार लिखते। तो क्या होता, हमने फॉर्मूला आपको बताया था, देखिए ये किस में है आपका सारणी के रूप में दिया है, ये क्या है आपका सारणी के रूप में दिया है, और इसके मैंने खोल करके एक टेबल के रूप में ऐसे ही लिख दिया। अब क्या मैं अगर इसको कहूं तो पदों का योग बटा पदों की संख्या लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे। तो जरा समझिए कि 40 को मैं चार बार जोड़ूं या 40 का मैं चार में गुणा कर लूं, 40 को या फिर मैं चार बार जोड़ूं या 40 को मैं क्या करूं चार बार गुणा कर दूं, तो क्या मान दोनों में बराबर आएगा क्या। इसीलिए मेरे दोस्तों यहां पर मैं क्या करता हूं, एफ एक्स निकालता हूं। तो 40 का मैं चार में गुणा करूंगा तो कितना होगा, चार चौके कितना होगा आपका 16 होगा, 160 हो जाएगा। 12 का 42 में करेंगे तो 12 दुना का कितना होगा आपका 24, अब 12 चौके 48 48, दो कितना होगा आपका 50, क्योंकि 12 दुना 24 के चार हासिल दो, 12 चौके 48 दो 50। 18 का 43 में करेंगे तो 18 कितना होगा 54, 18 54, 18 चौके 72 72, और 5 कितना हो जाएगा 77, यही होगा भैया 18 54 के चार हासिल 5, 18 18 चौके 72, और 5 कितना होगा 77। 440 का 10 में गुणा करेंगे तो आपका कितना होगा, देखिए 44 का 10 में करेंगे तो 440 होगा, 45 का 6 में करेंगे तो 6 पंचे आपका 30, और 6 चौके 24 कितना होगा, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, और 6 चौके 24 और 3 कितना होगा आपका 27, ये आपका होता है, देखिए क्या होगा आपका, ये आपका होता है देखिए इसका। इसके बाद समझिए ये पदों का योग ही तो कर रहे हैं, सबको हम लोग जोड़ लेते हैं, तो सिग्मा इसी को बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा का मतलब होता है कि सबका योगफल, जब इस सबका योगफल करेंगे मेरे दोस्तों तो देखिए आपका हो जाएगा 4 4 8, आपका 8 आ जाएगा, और 7 7 14 4 18 6 24 के आपका 4 हो जाएगा, और 4 2 6 6 7 6 13 13, और 5 कितना हो जाएगा आपका 18 18 1 19, और 2 कितना होगा आपका 21 2148 हो जाएगा, कितना होगा मेरे दोस्तों 2148 होगा। और इसको जोड़ेंगे क्योंकि छात्रों की संख्या टोटल है कितनी 50 है, तो इसको जोड़ लेंगे तो देखिए सिग्मा
एफ बराबर कितना होगा आपका 50 हो जाएगा। तो यही होता है, अगर देखिए अगर इस तरीके से अगर आप समझने की कोशिश करिए तो क्या ये पदों की संख्या ही है, भाई पदों का टोटल का योग ही तो है, पदों का योग और ये क्या है पदों की संख्या, यही है मेरे दोस्तों। तो समांतर माध्य का यही फॉर्मूला हो जाता है, इसका समांतर माध्य का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स बटा के सिग्मा एफ। तो 2148 में जब आप 50 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये तो आपका हो जाएगा 50 चौके 200 आपका 14 हो जाएगा, 48 50 दुना के 100 हो जाएगा, और आपका 50 दुना के 100 48 हो जाएगा, और आपका दशमलव लगा देंगे तो आपका हो जाएगा 480। तो 50 नवा जो है आपका 450 हो जाएगा, और 50 450, तो इसके बाद कितना हो जाएगा आपका देखिए 80 300 300, तो वो आपका 50 6 300, तो आपका हो जाएगा 42.96। कितना आएगा मेरे दोस्तों 42.96 आएगा समांतर माध्य। यदि मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये तो समांतर माध्य आ गया, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन यदि ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं टेबल फॉर्म में उसकी माध्यिका अगर ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलिए मैं उसको भी बता देता हूं कि माध्यिका हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए उसमें कुछ भी नहीं करना है, यहां पर कुछ भी नहीं, बस यहां पर एफ एक्स के जगह पे आप क्या करेंगे संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। क्या करेंगे मेरे दोस्तों संचयी बारंबारता, और मैं ये भी आपको समझाता हूं क्यों निकालते हैं संचयी बारंबारता। अब जरा समझिएगा, ये 4 है, 4 ही लिखेंगे, 4 में 12 जोड़ेंगे, 12 4 कितना होगा आपका 16 हो जाएगा, 16 में जब हम 18 जोड़ेंगे तो 8 6 14 देख संचयी बारंबारता ऐसे नहीं है, 4 4 में फिर 12 जोड़ेंगे तो 12 4 कितना आपका 16 हो जाएगा, 16 में आप 18 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 34, कितना हो जाएगा आपका 34, और 34 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 44 हो जाएगा, कितना 44 में 6 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा 50। तो संचयी बारंबारता कहने का मतलब कि एन का जो मान आपका आया कितना मेरे दोस्तों 50 आया, कितना आया आप लोगों का 50 आया, ठीक है मेरे दोस्तों। तो हम क्या करते हैं कि n क्या है आपका 50 है, तो n क्या है आपका देखिए 50 क्या है आपका सम है कि विषम है, सम है, तो सम के लिए जो माध्यिका का फॉर्मूला होता है किसका, सम के लिए माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n बटा के 2 वहां पद प्लस n बटा के 2 प्लस 1 ये वहां पद, और पूरा के बटा क्या होता है मेरे दोस्तों 2 हो जाता है, क्या होता है यही फॉर्मूला आप लोगों का सम का होता है। और ये फॉर्मूला यही क्यों होता है ये भी मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं। तो n का मान कितना है आपका देखिए 50 बटा के 2 हो जाएगा, प्लस 50 में 2 का भाग देंगे भाई 50 बटा के 2 और प्लस 1 ये वहां पद, यहां पर समझिएगा यहां पर भी वहां पद है, और पूरा के बटा क्या है आपका 2 है, तो 50 में जब 2 का भाग देंगे तो आपका कितना 25वां पद, अब प्लस 50 में 2 का भाग देंगे तो क्या है 25 और प्लस 1 जोड़ेंगे तो कौन सा होगा 26वां पद, अब पूरा के बटा क्या होगा आपका 2। अब 25वां पद हम लोग बात करते हैं किसमें आएगा, देखिए 16 के बाद देखिए 17 से ये 17 से लेकर के 34 तक वाला जो पद होगा वो कौन सा आएगा आपका 43 आएगा, कितना आएगा मेरे दोस्तों 43 आएगा। तो देखिए 25वां पद भी आपका 43 आएगा और 26वां पद भी आपका 43 आएगा, और क्यों आएगा समझने की कोशिश करिएगा मैं आपको समझाता हूं। पूरा बटा के 2 तो ये आपका हो जाएगा देखिए 3 3 6 4 4 8 86 में 2 का भाग देंगे बराबर आपका आएगा 43, इसका मतलब कि माध्यिका क्या आएगी आपका मेरे दोस्तों 43 आएगा। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये 43 ही क्यों आता है, कैसे समझते हैं इसको, मैंने जब देखिए खोल दिया 40 कितनी बार था 4 बार, तो मैंने लिखा 1 2 3 4 बार, ठीक है मेरे दोस्तों। अब क्या है देखिए 42 कितनी बार है 12 बार, तो 42 को भी मैं 1 2 3 4 ऐसे करके आपका 12 बार लिखता मेरे दोस्तों। अब जरा आप समझने की कोशिश करिएगा, अगर मैं जोड़ता ऐसे ही 43 को मैं 34 बार, 43 को कितनी बार 18 बार लिखता, तो देखिए कि 4 तक देखिए 1 2 3 4 4 तक जो क्या है आपका 40 है, 4 तक तो आपका 4 पदों तक तो 40 है, इसके बाद अगला 12 पदों तक क्या आता 42, मतलब कि 4 के बाद मतलब देखिए 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पद तक क्या आपका आता 42 आता मेरे दोस्तों। इसके बाद 17 से हम लोग 16 तक तो कौन आता आपका 42 आता, समझिएगा 16 के बाद जैसे ही 17 का बात आ जाता आगमन होता उसमें किसका पद आने लगता 43 आने लगता, और ये कब तक जाता देखिए
क्योंकि इसकी आवृत्ति 18 बार है, अब सारा समझिएगा, 16 के बाद 17 पर भी आपका 43 होता, 18 पर भी 43 होता, 19 वाले पद पर भी 43 होता, 20 वाले पद पर भी 43 होता, 21 पर भी 43 होता, 22 पर भी 43, 23 पर भी 43, 24 पर भी 43, 25 पर भी 43, 26 पर भी 43, 27 पर भी 43, 28 पर भी 43, 29 पर भी 43, 30 पर भी 43, 31 पर भी 43, 32 पर भी 43, 33 पर भी 43 और 34 पर भी 43, ऐसे ही होता। तो संचयी बारंबारता से हमें क्या पता चला, यहां पर क्यों पता चला, मैंने कैसे पता चला 43? ये अगर नहीं समझ में आ रहा तो कुछ मत करिए, इसको खोल लीजिए और इस रूप में लिख दीजिए, इसके बाद भी अगर आप निकालेंगे माध्यिका तो वही होगा मेरे दोस्तों। लेकिन संचयी बारंबारता ध्यान रखिएगा, ये क्या है, चार है। चार का मतलब यह है, देखिए कि एक से लेकर के चार तक, कितना, एक से लेकर के चार तक अगर पद आता है तो वो संख्या कौन सी, 40 आएगी। लेकिन चार के बाद जैसे बढ़ेंगे, पांच से लेकर के कहां तक, 16 तक, पांच से लेकर के 16 तक जो पद होगा वो किस कौन सा संख्या आएगी, 42 होगा। गिन करके अगर आपको विश्वास नहीं है, इसमें खोल करके देख लीजिएगा, इसका थर्ड सेमेस्टर में इतना जबरदस्त मैंने 3 वीडियो बनाई थी, यदि आपने देखा होगा तो आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। कहां से देखिए, पांच से लेकर के 16 तक, इसके बाद कहां आएगा, 16 तक, इसके बाद क्या आएगा, 17 से लेकर के 34 तक, कहां तक, 17 से लेकर के 34 तक जो आपका आएगा ये आएगा 43। इसके बाद 34 के बाद क्या आता है, देखिए 35, 35 से लेकर के 44 तक इसमें आएगा, और 44 के बाद आपका क्या होगा, 45 से 50 तक जो पद आएगा आपका मेरे दोस्तों इसमें आएगा। तो ध्यान रखिएगा, अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, जब ऐसे नहीं समझ में आएगा खोल लीजिएगा, इस रूप में कर लीजिएगा। मैं तो समझता हूं कि यदि मेरा अगर मानना हो, तो अगर कोई पूछे कि आप माध्यिका अगर आपसे पूछना हो तो इस फॉर्म में पूछे तो बेहतर है, इस फॉर्म में पूछे तो बेहतर है, तो मैं तो कहूंगा इस फॉर्म में। क्यों मेरे दोस्तों, क्योंकि इसमें टेबल के फॉर्म में इसको अरेंज कर देता है। 40 की आवृत्ति चार बार, वहां पर देखिए 40 रहेगा, यहां पर 140 रहेगा लंदन में, 100 रहेगा पेरिस में, 100 रहेगा उन्नाव में, समझ रहे हैं, तो उसमें खोजने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन इसमें आसानी से तुरंत फॉर्मूला करिए, जो फॉर्मूला है उसमें करेंगे, तुरंत माध्यिका आप लोग निकाल लेंगे। विषम रहेगा तो विषम का फॉर्मूला लगाएंगे, विषम के लिए माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एन प्लस वन बटा के टू वहां पर, बस इतना ही होता है मेरे दोस्तों। और 60 में यदि आपका दे दे, क्या करते देखिए, 60 में दे दे, जैसे छोटा में दे देता है और पूछता है माध्यिका, तो विषम रहता है, माध्यिका का मतलब होता है बीच वाला पद, क्या होता है, बीच वाला पद ही निकालना होता है, तो सीधे हम लोग निकाल लेते हैं, उसके भी तरीका मैंने आप लोगों को बताया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, चाहे समांतर माध्य पूछे चाहे माध्यिका पूछे, आप अच्छे तरीके से कर लेंगे और यकीनन मुझे उम्मीद है अच्छा करके आएंगे आप दोस्तों। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन आपका इससे पूछा जाएगा, किसे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से, क्या है देखिए कि 5000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। तो मैं आप लोगों को साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों निकालना बताता हूं। यदि चक्रवृद्धि ब्याज पूछ देता है, देखिए आपका 5000 रुपया क्या होगा, आपका यहां पर मूलधन होगा, क्या होगा, मूलधन जो दिया है आपका कितना है, 5000 रुपए, ऐसे ही आप लोगों को लिखना है। दर कितना दिया देखिए, 10%, समय कितना दिया है देखिए, समय कितना दिया है मेरे दोस्त, 3 वर्ष दिया है, कितना दिया है, 3 वर्ष दिया है। आपसे पूछा है दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए, तो ध्यान रखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए देखिए एक आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला होता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला होता है आपका, देखिए कि मूलधन 1+ दर, दर बटा के 100 इतना के पावर एन होता है, जिसको एन को हम लोग समय बोलते हैं। और चक्रवृद्धि ब्याज किसका, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है, देखिए चक्र वृद्धि ब्याज बराबर होता है देखिए कि मिश्रधन, मिश्रधन माइनस मूलधन, क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो देखिए मूलधन तो हमें पता है, अब हम देखिए इस फार्मूले की सहायता से मिश्रधन ज्ञात करेंगे। मिश्रधन में क्या होता है, मिश्रधन में क्या होता है देखिए, मूलधन के साथ क्या होता है, ब्याज जुड़ा होता है, तो ब्याज जब मूलधन के साथ जब ब्याज जुड़ा होता है तो मिश्रधन के रूप में हमको क्या मिलेगा, उसमें जब ब्याज जुड़ा होता है तो मूलधन हम जब घटा देंगे, भाई मिश्रधन पता कर लेंगे इसकी सहायता से, जब मिश्रधन हम पता कर लेंगे तो मिश्रधन में से जब हम मूलधन को घटा देंगे तो हमें ब्याज मिल जाएगा, तो इसकी सहायता से चलिए हम लोग निकालते हैं। तो मूलधन कितना है आपका देखिए, 5000 रुपए इंटू 1+ दर कितना है देखिए, 10% और बटा कितना हो जाएगा, 100
पावर एन, समय कितना दिया जाए आपका, आपका 3 वर्ष दिया है, ठीक है। तो हो जाएगा देखिए आपका 5000 गुणते, इसका करेंगे देखिए आपका कट जाएगा, कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1 + 1/10 के घात 3 हो जाएगा। इसको करेंगे देखिए आपका हो जाएगा देखिए 5000, 10 का 1 में गुणा करेंगे 10, 10 में 1 जोड़ेंगे तो आपका होगा 11, तो 11/10 का क्या हो जाएगा क्यूब, क्यूब का मतलब हो जाएगा 3 बार गुणा, वही भाई क्यूब का मतलब 11/10 ही होगा। तो अब हम क्या करेंगे मेरे दोस्तों, यहाँ समझने की कोशिश करिएगा, देखिए इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो बचेगा आपका क्या देखिए 5 × 11 × 11 × 11 हो जाएगा। तो 11 का 11 में गुणा करेंगे 121, 121 का 11 में गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका 1331, कितना होगा 1331। इसका करेंगे देखिए 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, 5 × 15 = 16, 5 × 5 = 6655 रुपये के आपका आएगा मिश्रधन के रूप में आएगा। और हमें पूछा क्या था, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था, तो चक्रवृद्धि ब्याज करने के लिए मिश्रधन हमें कितना मिला है दोस्तों, 6655 मिला, और माइनस मूलधन हमारा कितना था 5000, भैया 5000 रुपये हमने लगाया था तो हमने कमाया कितना 6655 रुपये। तो हमें ब्याज मतलब पूछ रहा है कि ब्याज हमें कितना मिला, तो हम क्या करेंगे इसमें से घटा देंगे, तो 5 5 6 और कितना होगा आपका 1, 1655 रुपये हमें हमने क्या कमाया मेरे दोस्तों, ब्याज के रूप में कमाया। अगर ये मिश्रधन के रूप में पूछ देता है तब ठीक है मेरे दोस्तों, लेकिन यदि अगर इसी प्रश्न को यदि पूछता है तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करिए। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों वो होता है मूलधन गुणते दर गुणते समय, क्या होगा गुणते दर गुणते समय और बटा क्या होता है आपका 100 होता है। तो मूलधन जैसे आपका 5000 हो गया रख देंगे, दर ये देखिए साधारण ब्याज का सीधे फॉर्मूला है, मिश्रधन का नहीं है, सिर्फ साधारण ब्याज का, तो 5000 गुणते दर कितना है आपका 10% है, समय कितना था 3 और बटा क्या हो जाता है आपका देखिए 100, तो 1 2 से 1 2 0 कट गया, बचा आपका देखिए 500 गुणते 3 आपका आता कितना देखिए 1500 रुपये, कितना आता 1500 रुपये। इसका मतलब हम लोगों ने 3 वर्ष में सिर्फ हम क्या कमाते, ब्याज कमाते इतना। अगर आपसे मिश्रधन पूछ देता भैया कि भाई 5000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण मिश्रधन ज्ञात करिए, या मिश्रधन पूछ देते तो हम क्या करते, देखिए कुछ नहीं, मूलधन हमारा कितना था 5000 रुपये, भैया मिश्रधन में क्या होगा, मिश्रधन में का वही फॉर्मूला होता है, मूलधन मिश्रधन बराबर होता है देखिए मूलधन प्लस ब्याज, क्या होता है देखिए मूलधन और प्लस क्या होता है आपका देखिए ब्याज होता है। मूलधन कितना था आपका देखिए 5000 रुपये और प्लस ब्याज आपका आया कितना 1500 रुपये, इसमें जोड़ेंगे तो 6500 रुपये आएगा, कितना 6500 रुपये आपका, इस तरीके से यदि आपका आ जाएगा तो पूछ लीजिए लेगा। अब देखिए इसी के इर्द गिर्द कभी भी पूछ देगा देखिए कि, अब ऐसे भी पूछ सकता है देखिए कि कितने रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि मिश्रधन है 6655 रुपये हो जाएगा, ये भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, मिश्रधन के ये जो मान था यहाँ पर रख देते हैं, मूलधन x मान लेते, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि 5000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में जो चक्रवृद्धि मिश्रधन है वो आपका 6655 रुपये हो जाएगा। किसी भी तरीके से क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द बना करके पूछेगा मेरे दोस्तों, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप चाहे जैसे भी हो क्लियर जरूर कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा इस टाइप का एक क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को करते हैं। चलिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है देखिए, कह रहा है इसका गुणनखंड करिए, तो ये श्योर समझ लीजिए कि मैं 2 क्वेश्चन ले रहा हूं, और बहुत ही समझ लीजिए कि इसका मतलब क्वेश्चन आएगा ही आपका आएगा। कैसे है देखिए कि 12y² - y - 1 का गुणनखंड करना है, तो हम क्या करेंगे देखिए 12y² - y - 1 है, मैंने आप लोगों को अभी बताया था एक इसका स्टैंडर्ड रूप होता है ax² + bx + c होता है, हम लोग क्या करते हैं a का c में गुणा करते हैं, तो वैसे ही 12 का हम क्या करेंगे 1 में गुणा करेंगे तो आपका आएगा कितना देखिए 12, 12 का 1 में गुणा करेंगे तो 12 आएगा। अब इसी 12 को हमको ऐसे 2 भागों में बांटना चाहिए, बांटना है कि यदि मैं गुणा करूं तो 12 आए, जोड़ूं या घटाऊं तो आपका कितना है वाई आए, वाई का मतलब यहां कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं है तो 1 आए, मतलब कि गुणा करूं तो 12 आए, जोड़ूं या घटाऊं तो हमको क्या प्राप्त हो 1 आए। तो ऐसा क्या है मेरे दोस्तों, क्या 4 और 3 बन रहा है क्या, क्योंकि 4 3 देखिए 12 होता है और 4 में से 3 अगर मैं घटाऊंगा तो 1 आपका आएगा, तो वही चीज हम करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 12y² - इसी के जगह पे हम क्या रखेंगे देखिए 4 - 3y - 1। अब देखिए 12y² - 4 का y में गुणा करेंगे तो 4y माइनस और माइनस का गुणा करेंगे प्लस 3y - 1।
अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या आपका कॉमन बन रहा है, कुछ बन रहा है, देखिए चार बन रहा है और वाई बन रहा है, चार वाई देखिए इन दोनों में कर रहा है। तो अब देखिए चार वाई मैंने कॉमन ले लिया, तो देखिए जब कॉमन लेंगे नहीं समझ में आता है तो क्या होगा, तो कुछ नहीं, जो संख्या कॉमन लेते हैं उसका इसमें भाग दे दीजिए, इसमें भाग देंगे देखिए तो चार का बारह देंगे तो चार तीन कितना होगा बारह, अब वाई से एक वाई स्क्वायर कट जाएगा तो तीन वाई हो जाएगा, माइनस चार वाई है, चार वाई से चार वाई में जब भाग देंगे तो कितना आएगा आपका, देखिए भैया चार वाई है यहाँ पर, अब उस चार वाई से जब मैं भाग दूंगा तो आएगा कितना आपका एक आएगा, तो यहाँ लिखेंगे क्या आपका एक आएगा। समझ में आया मेरे दोस्तों, क्यों हम लोग एक लिखते हैं, आप लोगों को समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे देखिए, अब बताइए इसमें से मैं क्या कॉमन लूँ कि थ्री वाई माइनस वन सेम सेम है कुछ नहीं, तो प्लस वन कॉमन ले लेंगे, क्या मेरे दोस्तों प्लस वन कॉमन ले लेंगे तो थ्री वाई माइनस का वन आ जाएगा। अब जरा समझिएगा, ये आपके ब्रैकेट के अंदर है, अब मैं 3y माइनस वन देखिए इसमें दोनों में है, इसको क्या करता हूँ इस ब्रैकेट से बाहर निकाल देता हूँ, तो 3y माइनस वन मैं जब ब्रैकेट से बाहर निकाल लूंगा कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा देखिए इसमें 4y बचेगा, और इस वाले में ये अलग पद है, ये अलग पद है ना, ये दो पद है, इसमें से 3y माइनस वन बाहर निकाल लिया, तो जब इसमें निकाल लिया तो इसमें क्या बचा 4y, अब यहाँ पर देखिए 3y माइनस वन है, इसको भी देखिए मैंने कॉमन लिया है, इसमें क्या बचेगा प्लस का वन बचेगा, और यही क्या होगा मेरे दोस्तों आपका गुणन खंड हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को लेते हैं, एक क्वेश्चन से जो है मेरे दोस्तों, देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, क्या कह रहा है देखिए कि यदि लखनऊ से कानपुर की दूरी, मतलब लखनऊ से कहां की दूरी, कानपुर की दूरी, तथा लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी का जो अनुपात है 3:8 है। अब समझिएगा, एक एक पॉइंट को पढ़ते जाइएगा मेरे दोस्तों, करते जाइएगा, यकीन करिए एकदम आसानी से कर लेंगे। किसकी बात किया देखिए, लखनऊ से कानपुर और लखनऊ से इलाहाबाद, तो सबसे ऊपर मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो मैं ले लूंगा कि लखनऊ की बात कर रहा है, लखनऊ, लखनऊ से एक बात यह है कि कहां की दूरी देखिए कानपुर, तो भैया यह हम मान लेते हैं यह कानपुर है, कौन है कानपुर है ये भाई, लखनऊ से कानपुर की दूरी है, और इसी लखनऊ से ये कितनी दूरी है इलाहाबाद की, इलाहाबाद की दूरी है, ठीक है इलाहाबाद की दूरी है, और इनका जो अनुपात है कितना है देखिए 3:8 है, कितना है आपका देखिए लखनऊ से कानपुर और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी का जो अनुपात है कितना है मेरे दोस्तों 3:8 है, 8 है, तो क्या लखनऊ से कानपुर की जो दूरी 3 ही होगी, नहीं मेरे दोस्तों, इसकी देखिए अनुपात क्या होता है, जैसे मैं अगर देखिए लॉजिक में आपको समझा दूं, आखिरी बार बता रहे हैं मेरे दोस्तों, यकीन है आप लोग करके आएंगे, जैसे मैं मान लेता हूं लखनऊ से कानपुर की दूरी 10 किलोमीटर है और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी जैसे 15 किलोमीटर है, तो जब मैं अनुपात ज्ञात करूंगा तो 10:15 होगा, लेकिन जब मैं इसमें से जो क्या होता है जो सेम संख्या होती है, क्या होती है जो समान संख्या होती है कट जाती है, जैसे देखिए 5 इन दोनों में कॉमन है तो ये 2:3 होगा, लेकिन अनुपात 2:3 का आया, तो क्या ये बताइए क्या दूरी भी क्या 2:1 दूरी क्या 2 थी किलोमीटर थी, और भाई लखनऊ से कानपुर की दूरी जो क्या 2 किलोमीटर थी और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी क्या 3 किलोमीटर थी, ऐसा नहीं मेरे दोस्तों, कॉमन क्या था 5 था, जो कॉमन रहता है हमको पता तो नहीं है ना कि कौन सी संख्या कॉमन है, जो संख्या दोनों में कॉमन होती है वो कट जाती है, तो हम मान लेंगे कि हम मानेंगे कि देखिए माना, इसलिए हम मानेंगे कहां से लखनऊ से कानपुर की दूरी, माना लखनऊ से कानपुर, कानपुर की दूरी बराबर, इन दोनों में मान लेते हैं मेरे दोस्तों 3:8 के अनुपात में आया कि 3:8 के अनुपात में, तो मान लेते हैं इन दोनों में कॉमन क्या होगा एक्स रहा होगा, जब काट दिए होंगे तो 3:8 के अनुपात में बन गया होगा, तो माना लखनऊ से किसकी कानपुर की दूरी, लखनऊ से कानपुर की दूरी मान लेते हैं देखिए 3x क्या होगा 3x, तो यहां पर हम लिख देते हैं कितना 3x, समझ में आया मेरे दोस्तों, तथा किससे लखनऊ से, लखनऊ से किसका, लखनऊ से इलाहाबाद, इलाहाबाद की दूरी तब क्या होगी देखिए 8:8 दिया देखिए 8 है तो यहां पर हो जाएगा 8x, इसका मतलब ये क्या होगा आपका देखिए 8x हो जाएगा, अब देखिए इन दोनों का अगर अनुपात निकालेंगे 3:8 ही आ जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है, अब आगे देखिए, आगे आपका कह रहा है देखिए तथा लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी 200 किलोमीटर है, लेकिन हमने दिखाया कि दूरी लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी कितनी है 8x है, लेकिन ये कह रहा है नहीं 8x नहीं 200 किलोमीटर है, तो 8x किसको दर्शा रहा है 200 किलोमीटर की, तो यहां पर देखेंगे लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी, कहां देखिए लखनऊ से, लखनऊ से इलाहाबाद, इलाहाबाद की दूरी बराबर कितना दिया देखिए 200 किलोमीटर, लेकिन वास्तव में हमने यहां से जब माना तो कितना था 8x,
तो 8x बराबर कितना है आपका, देखिए 200 किलोमीटर, तो x बराबर करेंगे देखिए तो कितना हो जाएगा, 200 बटा के 8, तो जब x का भाग देंगे देखिए तो 8 दुना के 16, 4 40 हो जाएगा, 8 पंचे 40, 25 किलोमीटर, कितना 25 किलोमीटर x का मान आएगा। तो हमसे पूछ क्या रहा था, तो लखनऊ से कानपुर की दूरी, तो लखनऊ से कानपुर की दूरी क्या था आपका, देखिए 3x, तो यहाँ पर लिखेंगे देखिए लखनऊ से कानपुर की दूरी बराबर 3x, तो आपका होगा 3 × 3, कॉमन क्या था आपका देखिए 25, तो x 25 नहीं है, किलोमीटर कितना आएगा देखिए 75 किलोमीटर। तो ध्यान रखिएगा, अब अगली बार हो सकता है देखिए कि सूर्य से, देखिए अगर क्वेश्चन बनाएगा तो ऐसे पूछ देगा सूर्य से कहां पर बुध की दूरी तथा तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी का अनुपात इतना है, यदि सूर्य से बुध की दूरी इतनी है तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी ज्ञात करिए। क्वेश्चन सिर्फ घुमा करके पूछेगा, अगर पूछेगा तब मेरे दोस्तों यकीन करना। देखिए मेरे दोस्तों, मैंने पहले ही कह दिया कि आप लोगों से पेपर से पहले मैं पेपर करवा रहा हूं, एकदम समझिए हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, देख लेना, अगर नहीं फंसा तो जो कहना मेरे दोस्तों, जो आप लोगों को करना, इतना मेहनत किया है आप लोगों के लिए, तो मेरे दोस्तों बस आप लोगों को इस बार मेरा रिक्वेस्ट है कम से कम 1000 लाइक होनी चाहिए, 1000 लाइक होना चाहिए और 10K प्लस सीबीएच होना चाहिए मेरे दोस्तों। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इस प्रकार का भी एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें आप लोगों को सजग होना है और सूझबूझ और समझदारी से काम लेना है, ऐसे क्वेश्चन में घबराना नहीं है। जैसे देखिए यहां पर x माइनस 1 है, यहां 1 माइनस x है, ठीक है, फर्क इतना ही है, आप लोग इतने में ही देखिए आपका बहुत ही खेल हो जाएगा, ठीक है। देखिए 1 माइनस x है, यहां पर x माइनस 1 है, तो क्या करिए आपको x माइनस 1 बनाना है, क्या करना है, बहुत से लोग क्या करेंगे 3 में 2 जोड़ करके 5 बटा के x माइनस 1 लिख देंगे, आंसर आ जाएगा, तो ये आपका सरासर गलत हो जाएगा, आपको सबसे पहले इसको सॉल्व करना होगा। तो 2 बटा के देखिए x माइनस 1 है, प्लस यहां पर देखिए 3 बटा के x माइनस 1 है, हमें बनाना क्या है भाई, दोनों का हर बराबर रहेगा तब तो अंश जुड़ेगा या घटेगा, तो हम क्या करते हैं मेरे दोस्तों, देखिए इसमें से मैं माइनस कॉमन अगर ले लेता हूं तो क्या मेरा x माइनस 1 बन जाएगा, क्या आपको समझ में आएगा क्यों। अब देखिए माइनस का जब मैं x में गुणा करूंगा तो देखिए माइनस का x हो जाएगा, अब माइनस का माइनस में गुणा करूंगा तो क्या होगा प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहां देखिए प्लस का 1 हो जाएगा, तो देखिए माइनस x और प्लस 1 लिखूं या 1 और माइनस x लिखूं, क्या दोनों में क्या इसमें और इसमें कोई फर्क है, नहीं फर्क है मेरे दोस्तों, कोई कमी नहीं है, जब कमी नहीं है तो उसी तरीके से मैंने क्या किया यहां पर कॉमन ले लिया, तो अब माइनस जानते हैं कि हमेशा क्या हो जाता है अंश में चला जाता है, तो इसको मैं लिख दूंगा देखिए 2 बटा के एक्स माइनस 1 और प्लस ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 3 बटा क्या होगा एक्स माइनस का 1, देखिए एक्स माइनस का 1, एक्स माइनस 1 का 1 क्या है, दोनों में क्या है मेरे दोस्तों, देखिए हर बराबर है तो अंश क्या होगा आपस में जुड़ जाएगा, तो यहां होगा देखिए 2, अब प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस का देखिए आपका होगा 3 और बटा के नीचे क्या होगा एक्स माइनस का 1, जब 2 में से मैं 3 घटाऊंगा तो कितना आएगा माइनस का 1 बटा के एक्स माइनस 1, और यही क्या होगा मेरे दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, यकीन है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार एक क्वेश्चन है, समझिए ऐसा क्वेश्चन यकीन है मुझे कि जरूर पूछा जाएगा, क्या है देखिए कि एक लकड़ी के घनाभ के, क्या एक लकड़ी के घनाभ के एक टुकड़े की लंबाई किस घनाभ के शेप का है, लकड़ी का है कोई टुकड़ा और किस शेप का, देखिए घनाभ के शेप का है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं एक घनाभ ही बना लेता हूं, तो देखिए घनाभ आपका किस शेप में होता है, ये देखिए आपका घनाभ हो गया, ठीक है, ये मैं आपका घनाभ बना लेता हूं, ठीक है, ये आप समझिए कि मैंने एक घनाभ बना लिया है मेरे दोस्तों, ठीक है। कह रहा है कि लंबाई कितना है 75 सेंटीमीटर, ये देखिए इसकी लंबाई है 75 सेंटीमीटर है, ठीक है, चौड़ाई कितना है 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है, देखिए ये वाली आपकी ऊंचाई कितना है 5 सेंटीमीटर है, समझिएगा आगे क्या बोल रहा है, तो इसमें से 15 सेंटीमीटर लंबा, अब क्या कह रहा है इसी में से, इसी घनाभ में से कितना 15 सेंटीमीटर लंबाई, लंबाई कितनी हो आपकी देखिए 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर क्या हो उसकी लंबाई हो, 3 सेंटीमीटर चौड़ाई हो, चौड़ाई कितनी हो आपका देखिए एक और घनाभ बना बता रहा छोटा सा, ये इस शेप में देखिए मैं बना देता हूं, ठीक है,
3 सेंटीमीटर चौड़ाई हो, लंबाई कितना हो 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना हो देखिए 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर क्या हो ऊंचाई हो, मतलब एक और इसी में से समझिए कि एक छोटा सा आपका घनाभ है, ठीक है, ये इस शेप का है, ऐसे 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 ऐसे, समझिए ये आपका एक घनाभ क्या है इसी साइज का, इसमें से यदि घनाभ बनाना हो तो कितने घनाभ बनेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। फिर से समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा है एक लकड़ी के घनाभ के एक गुटके की लंबाई 75 सेंटीमीटर लंबाई है, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो इसी में से कितना देखिए 15 सेंटीमीटर लंबा और 3 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर कितना 1 सेंटीमीटर ऊंचा, कितने गुटके बनाए जा सकते हैं, मतलब इसी साइज का यदि मैं इसमें से गुटका मैं अगर काटूं तो कितना बनाया जा सकेगा। तो ऐसा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे मेरे दोस्तों, इसका आयतन निकाल लेंगे और इसका भी आयतन निकाल लेंगे, इसके आयतन में से इसके आयतन को हम भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने गुटके काटे जा सकते हैं। अब जरा समझिएगा आपके दिमाग में बात आ रही होगी क्यों ऐसा करेंगे, जैसे मैं कहता हूं कि एक मैं समझिए कि एक आपका ये देखिए, ये समझिए एक आपका ये सुराही है, क्या है मेरे दोस्तों ये सुराही है, ठीक है, ये मान लेते हैं इसका जो टोटल जो है क्षमता है 100 लीटर है, कितना है मेरे दोस्तों 100 लीटर है। अब मैं इसके टोटल जो क्षमता है 100 लीटर है, मैं 1 लीटर क्या कर रहा हूं, 1 लीटर ये जो दूध है इसका जो दूध है समझिएगा, इसमें मान लेते हैं क्षमता 100 लीटर है, 100 लीटर इसमें दूध की क्षमता है। अब मैं क्या करता हूं कि 1 लीटर के बर्तन में मैं इसके दूध को भरना स्टार्ट करता हूं, तो कितने बर्तनों में ये टोटल दूध भरेगा, तो हम क्या करेंगे देखिए 100 में 1 का भाग देंगे तो आपका आएगा 100, कितना आएगा मेरे दोस्तों 100 में जब मैं 1 का भाग दूंगा तो कितना आएगा आपका 100 बर्तन, क्यों, क्योंकि भाई इसका आयतन 100 था। अब 1 लीटर आयतन वाले बर्तन में इसको भरना स्टार्ट किया तो मैं क्या करूंगा इसका भाग दे दिया, देखिए भाई 1 लीटर करेंगे तो 99 बचेगा, तो फिर वैसे ही 99 करेंगे उस तरीके से 100 बर्तन में आपका 100 लीटर आएगा, उस तरीके से समझिए कि टोटल आयतन आ जाएगा, इसका भी मैं आयतन निकाल लूंगा तो टोटल जितना आयतन होगा भाई अब इसका आयतन निकाल लूंगा उतने आयतन का मैं इससे भरना बनाना स्टार्ट कर दूंगा, तो क्या करेंगे मेरे दोस्तों तब जो जितना भी आएगा उसका भाग दे देंगे वो आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या कह रहा है देखिए कितने गुटके बनाए जा सकते हैं, तो गुटकों की संख्या पूछ रहा है देखिए, तो गुटकों या गुटखे गुटखों की संख्या, गुटकों की संख्या बराबर क्या होगा, गुटकों की संख्या बराबर हम लिखेंगे देखिए घनाभ का आयतन, क्या लिखेंगे देखिए घनाभ का आयतन बटा के गुटके का आयतन, कितना गुटके का आयतन। तो जरा समझिएगा घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुटके चौड़ाई गुटके ऊंचाई यही होता है, तो लंबाई कितना दिया देखिए आपका 75 दिया है, चौड़ाई कितना दिया है मेरे दोस्तों 15 दिया है और ऊंचाई कितना दिया देखिए 5 दिया है, ठीक है, और गुटके की लंबाई कितना दिया देखिए भाई गुटके का भी आयतन, गुटका भी किस शेप में है आपका घनाभ के ही शेप में है, तो लंबाई कितना दिया देखिए आपका 15 दिया है, चौड़ाई कितना दिया आपका देखिए 3 दिया है और ऊंचाई कितना दिया है 1 दिया है, काटेंगे देखिए तो 15 से आपका तो 15 कट गया, 3 से इसको काटेंगे देखिए 25 दिया आपका 75 होगा, ठीक है 25 × 125 तो कितना बचेगा मेरे दोस्तों 125 गुटखे काटे जाएंगे। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपका आ जाएगा तो कान और आंख बंद करके दिमाग में बैठा लेना मेरे दोस्तों कि बड़ा वाला जो आपका घनाभ बनेगा उसका आयतन ज्ञात कर लीजिएगा, इसके बाद जो छोटा वाला बोलेगा उसका आयतन ज्ञात करिएगा और इसके आयतन में से इसके आयतन का बस आपको भाग दे दीजिएगा, जो आएगा वही आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो जिस तरीके से हमने निकाला है उसी तरीके से आप लोगों का निकलेगा मेरे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन से देखिए, इस टाइप का आपका क्वेश्चन से पूछा जाएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या करिएगा, बॉड मॉस रूल लगाइए, BODMAS रूल लगाइएगा, बी से ब्रैकेट, अगर ऐसे आ जाता है देखिए सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इसके बाद ऑफ को, ऑफ मतलब होता है हिंदी में का, डी का मतलब डिवीजन वही भाग, एम का मतलब वही गुणा, ए का मतलब एडिशन, एडिशन का मतलब कि आपका जोड़, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाना, ऐसे ही सॉल्व करना है।
इसमें बी का मतलब वही ब्रैकेट कोष्ठक, जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं क्या, कोष्ठक, ठीक है मेरे दोस्तों। तो करना क्या है देखिए, सबसे पहले देखिए बी से ब्रैकेट आ गया, अब देखिए ये आपका ब्रैकेट आ गया, इसको क्या करना है आपको सॉल्व करना है। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर भी देखिए क्या ऑफ है क्या, यहां पर देखिए ऑफ नहीं है तो ऑफ को नहीं सॉल्व करेंगे। डिवाइड डिवीजन भाग, भाग है क्या देखिए, नहीं है, सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे देखिए डिवीजन मल्टीप्लाई गुणा है, गुणा है देखिए ब्रैकेट के अंदर, देखिए ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट ये है एक ब्रैकेट ये है, इस ब्रैकेट को सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों, चार में पांच का गुणा करेंगे तो कितना होगा, पांच चौके बीस, बीस का क्या है पावर माइनस टू है, पावर घात माइनस टू करेंगे, प्लस क्या होगा एक बटा के दस का क्या होगा स्क्वायर होगा, अब प्लस का कितना है तीन बटा के चार होगा, ठीक है मेरे दोस्तों। अब देखिए यहां देखिए बीस के घात माइनस दो है, समझिएगा 20 के घात ये कितना है माइनस दो है। अब देखिए इसको मैंने एक हर में मिलाना है तो ये होगा एक बटा के बीस का क्या हो जाएगा आपका कि घात प्लस का दो हो जाएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि यक्स के पावर अगर m है, इसको यदि आप हर में लाना चाहते हैं, कहने का मतलब हर में लाएंगे तो ये एक बटा के यक्स के पावर m तो होगा, सिर्फ इसका जो घात जो होता है उसका चिन्ह क्या होता है आपका बदल जाता है, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर यही फिर बदल में ऊपर जाएंगे तो आपका प्लस होगा। तो इस तरीके से देखिए ये अंश में है, इसको लाना है हमें हर में, तो हम क्या करेंगे कुछ नहीं, एक बटा के बीस के घात दो तो करेंगे, सिर्फ देखिए माइनस का दो है तो वो क्या होगा प्लस का दो हो जाएगा, बटा के हो जाएगा एक बटा के या दस का स्क्वायर है तो इसको क्या करेंगे दस का स्क्वायर करेंगे तो आपका सौ हो जाएगा, क्योंकि वन का स्क्वायर करेंगे, जैसे कि ए बटा के बी की पावर अगर एम है तो ए के पावर भी तो एम होता है और बी के पावर भी एम होता है, तो ए के पावर एम करेंगे तो मतलब वन का स्क्वायर करेंगे तो वन ही होगा, और दस का जब स्क्वायर करेंगे तो दस धान कितना होगा आपका सौ हो जाएगा मेरे दोस्तों, अब प्लस का हो जाएगा आपका देखिए तीन बटा के चार, ठीक है। अब आगे जब मैं सॉल्व करूंगा देखिए तो एक बटा बीस का स्क्वायर करेंगे कितना होगा आपका बीस बीस हम चार सौ हो जाएगा, अब प्लस का एक बटा कितना हो जाएगा आपका सौ हो जाएगा, अब प्लस का कितना हो जाएगा देखिए तीन बटा के चार हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट में क्या है आपका देखिए जोड़ है, तो हम क्या करेंगे देखिए इन दोनों का क्या करेंगे लॉसा लेंगे, तो चार सौ और सौ का जब लॉसा लेंगे तो कितना आपका आएगा देखिए चार सौ ही तो आएगा, 400 और 100 का जब लॉस लेंगे तो आपका 400 ही आएगा, तो 400 में अब मैं क्या करूंगा 400 का भाग दूंगा तो कितना आएगा एक आएगा, एक आएगा तो एक इसमें करेंगे तो एक ही हो जाएगा प्लस, 400 में जब 100 का भाग देंगे तो कितना आएगा चार आएगा, चार का एक में गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका चार। देखिए ब्रैकेट अब आपका देखिए कंप्लीट रूप से सॉल्व हो गया, तो ब्रैकेट को मैं हटा दूंगा, अब प्लस क्या है आपका देखिए तीन बटा कितना है आपका चार है, अब चार में मैं एक जोड़ूंगा तो कितना आपका आएगा देखिए पांच, अब पांच बटा कितना हो जाएगा आपका देखिए 400, अब प्लस तीन बटा कितना हो जाएगा आपका चार। देखिए अगर मैं इसको काटूं तो देखिए आपका कट जाएगा, काटने की कोशिश करिए देखिए तो आपका देखिए कट जाएगा, लेकिन मैं अभी नहीं काटता हूं क्योंकि इन दोनों का फिर अगर मैं लॉस लूंगा तो कितना आपका आएगा चार आएगा, तो मैं आगे अगर सॉल्व करूं तो देखिए 400 और 4 का जब लॉस मैं लूंगा तो कितना आएगा आपका देखिए 400 ही आएगा, अब 400 में 400 का भाग दूंगा तो कितना आपका आएगा ध्यान रखिए 400 में जब मैं 400 का भाग दूंगा तो एक आएगा, एक का पांच में मैं गुणा करूंगा तो कितना आएगा आपका देखिए पांच प्लस, ये आप लोग जानते होंगे कई बार मैंने बताया है। अब 400 में जब 4 का गुणा भाग देंगे तो कितना आएगा 100 आएगा, 100 का 3 में गुणा करेंगे तो आपका आएगा कितना देखिए 300, कितना आएगा मेरे दोस्तों 300 आएगा, 300 यहां बता के आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। अब जब मैं आगे इसको सॉल्व करूंगा तो 300 में जब मैं 5 जोड़ूंगा तो आपका होगा 300 का 5 और बटा कितना हो जाएगा आपका 400, कितना होगा आपका 400, तो देखिए 5 से तो दोनों कट जाएगा, देखिए इसको अगर मैं 5 से काटूंगा देखिए ये इसको करेंगे तो 5 6 के कितना होगा आपका 30, 5 6 के 30 और 5 1 कम 5 होगा 61 हो जाएगा। अब मैं इसको 5 से काटूंगा देखिए तो 8 5 40 और 8 0 0 80, तो आपका आएगा कितना मेरे दोस्तों 61 बटा के 80। जब आप किसने हमने जब इसको सरल किया तो आपका मान कितना आया 61 बटा के 80। और इस तरीके से भागो जोगो का जो भी क्वेश्चन होगा मेरे दोस्तों सिर्फ आप बॉड मास रूल को लगाइएगा या भागो जोगो जिसको बोलते हैं उस रूल को आप लगाइएगा, आप श्योर अच्छा करके आएंगे मेरे दोस्तों। जितना भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं समझ लीजिए कि अगर इसमें से श्योर 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 आप लोगों का क्वेश्चन फंसेगा ही। ये 2 घंटे का जो वीडियो है आप लोगों का समझ लीजिए कि आज समझ लीजिए कि जिंदगी बदल देने वाला वीडियो है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिए मेरे दोस्तों। एकदम आराम से शिद्दत से आप लोगों को समझाते हुए मैं चल रहा हूं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है मेरे दोस्तों इसको समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ही ध्यान से आप लोग समझिएगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन देखिए आसान क्वेश्चन को इतना घुमा करके दे देता है कि देखिए है ये बहुत आसान क्वेश्चन,
लेकिन इतना घुमा करके दिया है कि हो सकता है आप लोग छोड़ करके, बहुत से 90% लोग तो इसको छोड़ करके चले आएंगे, समझ में ही नहीं आएगा, उनको पल्ले ही नहीं पड़ेगा क्वेश्चंस क्या कर रहा है। तो समझिएगा ऐसे क्वेश्चंस को आपको करके आना है। क्या कर रहा है? किसी वृत्त के केंद्र से, बात किसकी हो रही है? वृत्त की। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। वृत्त की बात हुई तो भैया हम एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, वृत्त का केंद्र देखिए यहां है, यहां पर है, यहां से कह रहा है 5 सेंटीमीटर। देखिए 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं यहां पर है भैया, हमें ये केंद्र है आपका O, यहां से 5 सेंटीमीटर ये है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है, देखिए एक क्षमा करिएगा, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा। भैया दूरी पर स्थित ये कि आपका जीवा, जीवा क्या होता है, वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को टच करे वृत्त पर, इसकी जो लंबाई है कितना आपका 24 सेंटीमीटर है, कितना है 24 सेंटीमीटर है, समझिएगा 24 सेंटीमीटर है। तो उस जीवा की लंबाई ज्ञात करिए जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर हो। क्या कह रहा है, देखिए इस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है कि जो केंद्र से 12, ये 5 है तो मान लेते हैं जीवा आपका यहां पर आ जाती है, कौन सी जीवा आपका, देखिए ये आपकी यहां पर आ जाती है, समझिए। तो अब जो लंबाई आपकी 5 थी, अब ये यही लंबाई यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई अब कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर, कितना आपका देखिए 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब 12 सेंटीमीटर होगा तो ये जीवा देखिए पहले के कंपेयर में तो छोटी होगी, होगी कि नहीं होगी दोस्तों, तो पहले कंपेयर में क्या होगी आपकी, छोटी होगी। तो इस जीवा की हमसे लंबाई पूछ रहा है, देखिए ये है तो बहुत आसान, क्या है मेरे दोस्तों, है तो बहुत आसान, लेकिन देखिए मैं आपको दो तरीके से बताता हूं। पहला तरीका जो आप लोगों का क्या होता है, देखिए इसको चाहे तो अनुपात और समानुपात से कर लें, क्यों, क्योंकि केंद्र से जब दूरी कितनी थी 5 सेंटीमीटर, जब केंद्र से जब दूरी 5 सेंटीमीटर थी तो जीवा की लंबाई कितनी थी 24 सेंटीमीटर, कितना मेरे दोस्तों, जब केंद्र से दूरी 5 सेंटीमीटर थी तो जीवा की लंबाई कितनी थी 24 सेंटीमीटर, जब केंद्र से दूरी कितनी होगी 12 सेंटीमीटर होगी तो जीवा की लंबाई पूछ रहा है। तो हम मान लेते हैं जीवा की लंबाई क्या होगी, एक्स होगी। अब जरा एक बात आपको समझना है, एक बात बताइए कि ये अनुलोम अनुपात होगा या विलोम अनुपात होगा। अब देखिए जब 5 सेंटीमीटर इधर देखिए समझिएगा, जब 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है तो लंबाई 24 है, जब आपका ये 12 सेंटीमीटर होगा, ये देखिए इधर से, ये देखिए इधर से ये क्या होगा आपका बढ़ रहा है, क्या रहा है, ये इधर से आपका बढ़ रहा है, तो इधर से देखिए बताइए कम होगा कि ज्यादा होगा। देखिए जब ये इधर का, जब देखिए इधर कम है तो इधर ज्यादा है, अब देखिए इधर बढ़ा तो इधर क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, इसका मतलब ये कौन सा होगा, अनुलोम अनुपात होगा कि प्रतिलोम अनुपात होगा। तो आप कहेंगे कि प्रतिलोम अनुपात होगा, तो प्रतिलोम अनुपात में आप लोगों का क्या हो जाता है मेरे दोस्तों, प्रतिलोम अनुपात में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, मतलब ये, मतलब जैसे आप लिखेंगे देखिए 5:12, क्या लिखेंगे देखिए 5:12 समानुपाते लिखेंगे, देखिए एक्स समानुपाते क्या लिखेंगे 24 लिखेंगे, तो प्रतिलोम समानुपात में यही होता है भैया, 5:12 समानुपाते यक्ष समानुपाते क्या होगा 24 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बाहर का बाहर में गुणा करेंगे, अंदर का अंदर में गुणा करेंगे, तो 12 का यक्ष में गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका, देखिए 12x बराबर, क्योंकि मध्य पदों का गुणनफल बराबर क्या होता है, बाह्य पदों का गुणनफल, तो क्या होगा देखिए 5 गुणते आपका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो 12 एकम 12 12 दुना के 24, तो एक्स का मान आपका आएगा 5 दुना के 10 सेंटीमीटर। एक तो ये तरीका हो गया देखिए इसका सीधे सालो करने का, एक आपका ये तरीका होगा सीधे सालो करने का। दूसरा तरीका अगर आपको मान लेते हैं ये नहीं समझ में आता है तो आप एक तरीका और आप लगा सकते हैं जो मेरा तरीका है। मैं क्या समझता हूं कि देखिए ये जीवा पर, ये देखिए आपका लंब है, जब ये जीवा पर लंब है तो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटेगा, ये और ये, तो ये टोटल अगर 24 है तो यहां से अगर मैं इसका नाम दे दूं ये ए, इसका नाम दे दूं बी, तो इसका नाम देता हूं मैं सी, क्या करता हूं सी दे देता हूं, तो अगर ये 2 बराबर भागों में बांटेगा तो देखिए ये तो 12 था, ठीक है, ये टोटल 24 था, टोटल जो है यहां से अगर यहां तक देखिए आपका 24 दिया है, तो ये अगर यहां से यहां तक कितना होगा आपका 12 हो जाएगा, क्या ये 12 इधर भी हो जाएगा और 12 इधर भी हो जाएगा। अब समझने की कोशिश करिएगा, जब इतना हो जाएगा तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा करके क्या मैं एओ का लंबाई ज्ञात कर सकता हूं, निकाल सकता हूं मेरे दोस्तों, एओ जो लंबाई है क्या मैं नहीं निकाल सकता हूं, निकाल सकता हूं। तो एओ निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, त्रिभुज एओसी में, त्रिभुज एओसी में हमें क्या करूंगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा दूंगा, कौन सा पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा। जब पाइथागोरस प्रमेय लगा दूंगा तो क्या होगा आपका, देखिए एओ का स्क्वायर क्या होगा, एओ का स्क्वायर बराबर होगा देखिए एसी का स्क्वायर प्लस
ओ सी का स्क्वायर, यही होगा क्योंकि पाइथागोरस में ये तो 90 अंश हो गया, तो लंब भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो एसी, एसी का मान कितना देखिए 12 का स्क्वायर और प्लस ओसी, ओसी का मान कितना देखिए 5 का स्क्वायर, तो ए ओ स्क्वायर, तो ए ओ स्क्वायर बराबर करेंगे तो 12 का स्क्वायर होगा आपका 144, 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना होगा आपका 25 होगा, तो ए ओ का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा, तो ए ओ बराबर कितना हो जाएगा आपका देखिए करड़ी में 169, तो ए ओ बराबर कितना आपका आ गया 13। कहने का मतलब ये जो ए ओ है इसको छू रही है वो 13 सेंटीमीटर, ये क्या है वृत्त की त्रिज्या है। और जरा समझिएगा, वृत्त की त्रिज्या चाहे यहां हो चाहे इसको हम यहां कर दें चाहे यहां कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता है, पड़ता है मेरे दोस्तों? नहीं पड़ता है। जब त्रिज्या हो गया तो हमसे क्या कह रहा है कि उस जीवा की लंबाई ज्ञात करिए जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी हो। अब हमको मान लेते हैं इस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है, किसका, यहां से यहां तक की लंबाई। अब मान लेते हैं इसका क्या है, देखिए नाम मैं दे देता हूं, मान लेते हैं देखिए एम और एन देता हूं, क्या करता हूं एम और एन देता हूं। तो एक बात बताइए कि ये बताइए, समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्तों, यहीं से आपका मेन गेम जो स्टार्ट होता है। अब देखिए इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, इसका कोई विकल्प ही नहीं है, इसको मैं मिटा ही देता हूं, ठीक है। अब जरा समझिएगा कि AO की जो लंबाई होगी भाई, ये तो यहां से यहां तक त्रिज्या है, क्या मैं इसको अगर मैं यहां से अगर मैं यहां तक मिला दूं तो ये भी तो देखिए केंद्र से इसको छू रही है तो ये भी तो त्रिज्या होगी भैया। अगर यहां पर 13 सेंटीमीटर था तो क्या यहां पर 13 सेंटीमीटर नहीं होगा? होगा मेरे दोस्तों, क्या होगा आपका देखिए 13 सेंटीमीटर, तो ये भी होगा, होगा कि नहीं होगा? अब ये 13 सेंटीमीटर हमको पता चल गया। और ओ, अब इसका देखिए मैं एक नाम देता हूं, देखिए भाई वहां सी था, यहां पर मान लेते हैं आपका डी देते हैं, कहते हैं डी देते हैं। और ओ से डी की दूरी कह रहा है कि उस जीवा की लंबाई ज्ञात करिए जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर, तो ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी आपकी 12 सेंटीमीटर हो गई। कितनी होगी मेरे दोस्तों? 12 सेंटीमीटर हो गई। तो क्या मैं पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से क्या मैं डीएम नहीं निकाल सकता हूं? निकाल सकता हूं, तो मैं लिखूंगा त्रिभुज किसमें? ओएमडी में, त्रिभुज ओएमडी में। ओएमडी में क्या पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाऊंगा तो मैं क्या होगा ओएम का स्क्वायर, ओएम का स्क्वायर बराबर एमडी का स्क्वायर और प्लस ओडी का स्क्वायर। और ओएम का स्क्वायर मैंने यहां देखिए निकाला है कितना, देखिए 13, तो यह हो जाएगा देखिए 13 का स्क्वायर बराबर एमडी, एमडी एमडी का हमको पता नहीं है तो एमडी का स्क्वायर और प्लस ओडी, देखिए ओडी कितना है देखिए 12 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा, माइनस बाय 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 इधर आएगा, तो हो जाएगा 144 बराबर एम डी का स्क्वायर। अब यहां से देखिए मैं एमडी का निकालूंगा, देखिए एमडी का स्क्वायर अगर मैं निकालूं तो आपका 25 आएगा, और एमडी अगर बराबर करेंगे तो करड़ी में कितना आएगा आपका देखिए 25 आएगा, बराबर कितना होगा आपका 5 सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। कहां से देखिए यहां से यहां तक की जो दूरी होगी 5 सेंटीमीटर होगी, कितना 5 सेंटीमीटर होगी। तो हमसे पूरा जीवा MN की दूरी पूछ रहा है, किसका जीवा MN की बराबर कर रहा है। तो MN के बराबर क्या मैं कर सकता हूं, देखिए ये दो बराबर भाग में ये 5 तो ये भी 5 होगा, होगा कि नहीं? तो MN बराबर क्या मैं लिख सकता हूं MD MD प्लस DN और DN। और ध्यान रखिए कि MD बराबर है DN, क्यों है? क्योंकि ये जो OD है ये इसको क्या कर रहा है दो भागों में बांट रहा है, तो ये हो जाएगा देखिए कि MN बराबर 5 और प्लस 5 बराबर कितना 10 सेंटीमीटर, कितना मेरे दोस्तों 10 सेंटीमीटर। तो एक तो आपका देखिए ये मेरा तरीका हो गया, दूसरा तरीका अगर आप चाहे तो अनुपात समानुपात से भी निकाल सकते हैं। तो ये देखिए पहले चैप्टर में आप लोगों का दिया था, दूसरा इस तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया, जिस तरीके से आपको आए उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यकीन नहीं मुझे पूरा विश्वास है कि आप करके आएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, समझिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, और देखिए इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करिएगा। देखिए कह रहा 10 सेंटीमीटर भुजा के दो घनों को मतलब सटा करके रखा गया है, रखने पर प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। 10 सेंटीमीटर भुजा का दो घन है, मैं करता हूं देखिए समझिएगा, मैं समझाने का प्रयास करता हूं आप लोग समझने का कोशिश करिएगा। एक घन समझिए 10 सेंटीमीटर भुजा का मैं बना लेता हूं, ठीक है 10 सेंटीमीटर भुजा का मैं क्या करता हूं एक घन बना लेता हूं, ठीक है इसको ऐसे मिला देता हूं, इसको ऐसे मिला देता हूं, ऐसे ऐसे ऐसे, ये समझिए कि ये 10 सेंटीमीटर भुजा का आपका एक घन है, दूसरा भी आपका एक घन है,
जो क्या है 10 ही सेंटीमीटर भुजा का है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर ही भुजा का है। ये देखिए, ये आपका एक घन हो गया, इसकी भी लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, इसकी भी 10 10 10 है, ठीक है, ये दोनों घन जो है समान भाई, 10 सेंटीमीटर भुजा का ये भी है, 10 सेंटीमीटर भुजा का ये भी घन है। अब ये कह रहा है कि इन दोनों घनों को हम क्या कर रहे हैं, सटा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं मेरे दोस्तों, सटा दे रहे हैं। जब सटाएंगे तो आपका देखिए इस प्रकार से आपका बनेगा। अब जब सटाएंगे देखिए तो समझने का प्रयत्न करिएगा, ये आपका इस प्रकार से बनेगा, इस तरीके से आप कुछ करके आपका बनेगा, और ये वाला जो दोनों का ये वाला जो सीधा होगा ये आपस में सट जाएगा। समझिए कि आपका इस प्रकार से ऐसे यहीं पर आकर के किसी तरीके से समझिए, आपका ये वाला जो सीधा है ये वाला जब दोनों आपस में सट जाएगा मेरे दोस्तों, जैसे कि आप समझिए कि मेरा हाथ है, ठीक है, तो अगर मैं अगर ये कह रहा है कि सटा दिया गया, जब ऐसे मैंने इसको सटा दिया मेरे दोस्तों, तो ये वाला जो एरिया है एक दोनों में आपस में से चिपक गया कि नहीं, तो ये वाला जो एरिया है इसमें चिपक जाएगा। तो अब अगर मैं, अब ये जो प्राप्त जो घनाप है, कह रहा है ना रखने पर प्राप्त घनाप, अब ये जो घनाप प्राप्त हुआ तो इसकी जो लंबाई होगी, देखिए 10 ये है और 10 ये वाला है, तो ये 10 पूरा सट करके जब इसको मैं सटा दूंगा इसमें सट जाएगा, तो ये वाला जो रीजन है ये वाला और इसका ये वाला रीजन आपस में एक साथ में ऐसे करके चिपक जाएगा। इसमें देखिए मैंने क्या कर दिया, चिपका दिया है, समझ रहे हैं हमारी बात को, ये क्या किया आपस में चिपक गया है, चिपक जाएगा। तो ये जो लंबाई इसकी हो जाएगी कि 10 इधर 10 ये कितना हो जाएगा, देखिए जब सट करके ये चिपकेगा तो लंबाई कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 20 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये लंबाई कितना होगा आपका, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, समझ में आया। और भैया चौड़ाई तो 10 ही रहेगा और ऊंचाई भी 10 ही रहेगा, ये वाली जो चौड़ाई होगी तो इसमें कोई चेंजिंग तो होगा नहीं, ये भी 10 ही सेंटीमीटर रहेगा और ऊंचाई जो है आपका 10 ही सेंटीमीटर होगा मेरे दोस्तों। तो अब ये क्या प्राप्त हो गया आपका, देखिए एक प्रकार से देखिए तो ये घनाभ प्राप्त हो गया है। अब कह रहा है उसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करिए, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है मेरे दोस्तों, तो आप जानते हैं दो होता है एलबीटी लंबाई गुणुत्व क्या होता है चौड़ाई होता है, एलबी होता है प्लस बी मतलब कि आपका चौड़ाई गुणते क्या होता है ऊंचाई होता है, इसके बाद क्या होता है एल एच लंबाई गुणते क्या होता है ऊंचाई होता है, क्यों होता है अब जरा समझिएगा। संपूर्ण पृष्ठ की अगर बात करें तो एक पृष्ठ आपका ये वाला होगा और वही ठीक इसके यह वाला होगा, क्योंकि ये भी 10 है और ये भी 10 है, ठीक है, तो ये क्या है लंबाई और ये ऊंचाई है, तो लंबाई ऊंचाई इधर वाला और ये लंबाई ऊंचाई इधर वाला, तो क्या होगा टू क्या होगा b into h, तो वही अगर दो का गुणा करेंगे देखिए b into h हो जाएगा, समझ रहे हैं b into h हो जाएगा। और ये जो नीचे वाला शेप है यही तो आपका ऊपर वाला होगा, तो 2 ये लंबाई और क्या है आपका चौड़ाई, तो 2l into b तो लंबाई गुणते चौड़ाई, तो l into b एक नीचे वाला होगा एक ऊपर वाला होगा, ठीक है। और एक आपका कौन सा बचेगा मेरे दोस्तों, ये वाला हो गया नीचे वाला हो गया, ये वाला हो गया आपका ये वाला हो गया। अब एक समझिए एक ठीक सामने वाला होगा, एक ठीक मेरे सामने वाला होगा एक पीछे वाला होगा, इसमें क्या देखिए L है और H है, L और H मतलब ऊंचाई है, एक ठीक पीछे वाला, तो यही हो जाएगा, यही इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्या होता है फार्मूला होता है। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब ये है, समझिए जैसे ये मेरी मोबाइल है, इस मोबाइल को आप समझने की कोशिश करिए, तो इसमें क्या है देखिए एक आपका देखिए ये लंबाई है, ठीक है भाई, संपूर्ण पृष्ठ करेंगे तो ये मोबाइल देखिए घनाभ के हिस्से की तो है, घनाभ के हिस्से की है, तो एक ऊपर वाला सीधा हो जाएगा, एक ये एक ठीक इसके नीचे वाला, दो हो गया। तो इस लंबाई में देखिए क्या होगा लंबाई है और क्या है चौड़ाई है, तो एक ये वाला होगा और एक ठीक इसके नीचे वाला, तो दो हो जाएगा, एक आपका ये वाला होगा, इसमें क्या देखिए ऊंचाई है और चौड़ाई है, ऊंचाई और चौड़ाई है, ठीक इसके एक ये वाला होगा, ठीक है मेरे दोस्तों, और एक क्या है ये वाला होगा और एक इसके पीछे वाला होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है यही हो जाता है, ठीक है मेरे दोस्तों। अब क्या करेंगे आपको सिर्फ इसका मान रख देना है, तो क्या होगा आपका देखिए दो लंबाई क्या है आपका देखिए 20 है, इसके बाद चौड़ाई कितना है आपका देखिए 10 है, प्लस चौड़ाई कितना है देखिए आपका 10 है और ऊंचाई कितना है आपका देखिए 10 है, प्लस लंबाई कितना है देखिए 20 है और ऊंचाई कितना आपका 10 है। अब इसको आप सिर्फ सॉल्व करेंगे देखिए, तो 20 दहम में आपका कितना हो जाएगा 200 प्लस 10 दहम कितना होगा आपका देखिए 100 हो जाएगा,
प्लस 20 धाम कितना होगा आपका 200 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 200 200 400 और एक 500, तो दो गुणित कितना होगा आपका 500 हो जाएगा। बराबर 500 में दो का गुणा करेंगे तो कितना आपका आएगा, देखिए 1000 वर्ग सेंटीमीटर, कितना मेरे दोस्तों 1000 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। बहुत से लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि क्या मैं इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल करके इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल करके क्या जोड़ दूंगा तो क्या नहीं आ जाएगा। तो ध्यान रखिए मेरे दोस्तों, जब आप जोड़ेंगे तो आप गलत कर देंगे। गलत कहां से करेंगे, ये और ये दोनों आपस में चिपक जाएगा, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये इसका देखिए 10 दहा में 100 और इसका 10 दहा में 100, 100 100 कितना होगा 200 आपका घट जाएगा। तो अगर ऐसे करेंगे देखिए तो 10 दहा में 100 दहा में आपका देखिए इसका अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल करेंगे देखिए तो 6a² होएगा, तो 10 दहा में 100 दहा में 1000 आ जाएगा। फिर इसका आप करेंगे तो इसके बाद ये वाला जो क्षेत्रफल है देखिए 200 क्या होगा इसका, वो आपका कम हो जाएगा। तो इसका अगर करेंगे इस तरीके से तो आपका ज्यादा आएगा, और इस तरीके से करेंगे देखिए आपका 1000 आया है, हो सकता है इसका कितना आएगा मेरे दोस्तों 1200 आ जाए। तो आप करके देख लीजिएगा, आप देखिएगा कि इसका गलत आएगा देखिए, क्योंकि 10 दहा में 100 इधर आ जाएगा, 10 दहा में 100 इधर आएगा, 100 100 200 और 10 दहा में देखिए, क्योंकि इसका करेंगे तो 6a² आएगा, इसका 6a² होगा, तो 6 6 आपका 12 होगा, 12 में 100 का गुणा करेंगे 10 दहा में 100 तो आपका 1200 आ जाएगा। तो उस तरीके से आप गलत कर बैठेंगे, क्योंकि इसका क्योंकि यहां पर देखिए सट जा रहा है, तो सट जब सट जा रहा है तो इसको तो हम लोग निकाल नहीं रहे हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। तो इसको इसी तरीके से आप बना करके जब करेंगे तब बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग देखिए ये सभी जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए कुछ और क्वेश्चन को करते हैं। चलिए दोस्तों देखिए एक और क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया है, और इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये साधारण ब्याज का है, चक्रवृद्धि ब्याज का भी इस पे क्वेश्चन आधारित पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं देखिए क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की दर से रुपया 2500 का, तो 2500 क्या है आपका देखिए मूलधन है, क्या है आपका मूलधन जो है आपका कितना है मेरे दोस्तों 2500 रुपए है। समय जो दिया है आपका देखिए, समय जो है वो 2 वर्ष और 6 माह दिया है, कितना दिया है 6 माह दिया है। अब इसको देखिए टोटल हमको पूरा वर्ष में बदलना होगा, तो जानते हैं देखिए कि 12 महीना कितना, 12 महीने में आपका कितना होता है 1 वर्ष होता है, ठीक है। तो 1 महीने में कितना होगा देखिए, 1 महीने में आपका होगा 1/12 वर्ष, ठीक है। तो 6 महीने में कितना वर्ष होगा, क्योंकि टोटल को हमको या तो माह में बदलना पड़ेगा या तो वर्ष में बदलना पड़ेगा, लेकिन दर क्या है वार्षिक लग रही है, तो हमको 6 महीने में कितना वर्ष होगा देखिए, तो 6/ कितना हो जाएगा आपका 12, इतना वर्ष होगा। जब इसका भाग देंगे देखिए तो आपका देखिए जाएगा तो है नहीं भाई, 6 1 6 6 2 12 1/2 वर्ष आ गया, इसका भाग देंगे तो आपका आएगा 0.5, कितना आएगा 0.5 वर्ष। अब क्या करेंगे हम लोग कि 2 वर्ष में हम क्या करेंगे 0.5 वर्ष जोड़ देंगे, तो आपका आएगा कितना देखिए 2.5 वर्ष, कितना 2.5 वर्ष समय आपका हो गया। दर देखिए रेट जो आपका दर दिया है वो कितना दिया आपका देखिए 6% दिया है। तो आपसे पूछ रहा है ब्याज तथा मिश्रधन, मतलब कि साधारण ब्याज भी पूछ रहा है और मिश्रधन भी पूछ रहा है। तो साधारण ब्याज आपका ब्याज हम निकाल लेते हैं देखिए, तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, साधारण जो ब्याज का फॉर्मूला होता है क्या होता है देखिए, मूलधन होता है गुणित क्या होता है आपका देखिए दर होता है, दर गुणित क्या होता है आपका देखिए समय होता है, क्या होता है समय होता है, और बटा क्या हो जाता है आपका देखिए 100 हो जाता है, क्या हो जाता है मेरे दोस्तों 100 हो जाता है। तो इसको मैं मिटा देता हूं, समझ में आप लोगों को ये बात आ गई होगी। अब मैं क्या करता हूं देखिए कि मूलधन कितना दिया आपका देखिए 2500, कितना दिया आपका देखिए 2500 रुपए दिया है। दर देखिए हम लोगों ने निकाल ही लिया कितना है 6% है, और समय हम लोगों ने निकाला तो कितना 2.5 वर्ष है। इसके बाद है आपका देखिए 100 100 से आप क्या करेंगे भाग देंगे, तो 1 2 0 से 2 0 आपका कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा। अब आपका आया देखिए 25 अगुणित, और इसका देखिए 2.5 में करेंगे तो देखिए 15 आएगा, क्या 6 2.5 6 2 12 3 15 आपका आएगा। तब देखिए अब इसका गुणा करेंगे तो 15 3 45 15 4 15 5 75 के 5 हासिल आपका 7 हो जाएगा, 15 2 30 7 37, तो 375 रुपये आपका क्या आ जाएगा ब्याज आ जाएगा। तो वार्षिक ब्याज की दर से देखिए ब्याज पूछा था तो हम लोगों ने ब्याज निकाल लिया। अब देखिए मिश्रधन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मेरे दोस्त मिश्रधन पूछ रहा है, तो मिश्रधन बराबर क्या होता है देखिए कि मूलधन और प्लस क्या होता है देखिए साधारण ब्याज होता है, मूलधन और प्लस क्या होता है साधारण ब्याज होता है। तो मूलधन कितना है देखिए आपका 2500 रुपए, कितना आपका देखिए 2500, और साधारण ब्याज आपका आया कितना देखिए 375 रुपए, तो मिश्रधन क्या होगा देखिए इसमें जुड़ देंगे तो 25 दिन कितना आपका होगा देखिए 2875 रुपए, क्या होगा आपका देखिए मिश्रधन। समझ में आया मेरे दोस्तों। एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा,
कभी कभी इसी क्वेश्चन को दे देगा कि साधारण ब्याज इतना की दर से 2 वर्ष 6 माह का 6% वार्षिक ब्याज की दर से क्या देगा, 6 महीने वार्षिक, देखिए देखिए साधारण ब्याज की दर से नहीं, यहां पर कह देगा देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, समझिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, किसकी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2500 रुपए का 2 वर्ष 6 माह का 6% वार्षिक दर से पूछ देगा चक्रवृद्धि ब्याज, यहां पूछ देगा देखिए चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात करिए। तब कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इस चीज का कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप लोगों का अगर पूछा जाएगा तो करके आइए, मतलब जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए आप लोग किसी भी कीमत पर छोड़ करके मत आइएगा। अब यहां पर आप लोगों को समझना पड़ेगा, देखिए देखिए वार्षिक ब्याज की दर से इतना का देखिए मिश्रधन ज्ञात करिए, जबकि यहां पर आगे लिख बना देगा देखिए, जबकि ब्याज क्या हो छमाही हो, क्या हो छमाही हो, मतलब ब्याज की जो दर हो क्या होगा छमाही, हर एक 6 महीने पर दे रहा है ब्याज, समझिएगा। तो यहां पर आप लोगों का बात पड़ जाता है, देखिए कि अगर मैं 6 महीने अगर बनाऊंगा टाइम, तो देखिए 2 वर्ष में कितना छमाही होगा, देखिए 2 वर्ष में, क्योंकि 1 वर्ष में, 1 वर्ष में कितना छमाही होता है देखिए 2 छमाही, भाई 2-2 6 महीना होता है, तो 2 वर्ष में कितना होगा देखिए 4 छमाही और 1 छमाही, तो टोटल कितना होगा 4 × 1 = 5 छमाही हो जाएगा, कितना 5 छमाही हो जाएगा, जो टाइम आपका समय जो होगा वो समय आपका कितना आ जाएगा देखिए 5 छमाही आ जाएगा। इसके बाद दर जो रेट है देखिए, दर जो है आपका दिया है वो कितना देखिए 6% क्या है वार्षिक है, क्या मेरे दोस्तों 6% वार्षिक है, लेकिन छमाही आपसे पूछ रहा है, तो भैया तो 1 वर्ष में मतलब 12 महीने, 12 महीने का जो रेट है जो दर है वो कितना है 6% है, कितना है 6% है, तो जरा समझिए कि 1 महीने का कितने, 1 महीने का कितना होगा देखिए 6/12 होगा, 6/12 होगा, तो 6 महीने का कितना होगा देखिए, 6 महीने का कितना होगा देखिए, तो 12 महीने का कितना है 1 महीने का हो जाएगा देखिए 6/12, तो आपका 6 महीने का कितना होगा 6 × 6 इतना बटा कितना आपका आपका 12 हो जाएगा, समझिएगा 12 महीने का 6% है, तो 1 महीने का 6/12 हो जाएगा, तो 6/12 का मतलब कितना हो जाएगा देखिए 6 × 2 = 2, इसका आपका आएगा देखिए 1/2, तो इतना हो जाएगा 1/2, तो आपका आएगा देखिए 1/2 × 6, तो आपको काटेंगे 2 × 3 = 6, तो कितना आएगा देखिए 6 महीने का कितना आएगा 3%, इसका मतलब क्या हो गया आपका देखिए रेट आपका आ गया दर, क्योंकि देखिए वार्षिक ब्याज की दर से आप लोग मिश्रधन क्या लगेगा, जबकि ब्याज कह रहा है 6 माही हो, ब्याज जो है आपका 6 महीने का लग रहा है, तो साल भर में 6% लग रहा है, तो भाई 6 महीने में कितना लगेगा, इसका आधा लगेगा ना 3% लगेगा। अब जब आप निकालेंगे तो टाइम आपका 5 लगाएंगे, रेट 3 लगाएंगे और मूलधन तो वही रहेगा, तो जैसे आपका देखिए चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालें, अगर हम चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या निकालें, चक्रवृद्धि मिश्रधन, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है देखिए, मूलधन, मूलधन होता है 1 + दर / क्या होता है 100 / k क्या होता है समय या फिर n होता है, तो मूलधन आपका 2500 हो जाएगा, 1 + दर, दर आपका 6% यहां नहीं लिखेंगे क्योंकि छमाही जब कह दिया तो उसका आधा कर देंगे, दर क्या होगा आपका 3%, तो 3/ क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, इसका समय, समय 2 वर्ष 6 माह मत कर लीजिएगा, 2. जैसे इसको निकाले हैं मैंने 2.5, तो 2.5 यही नहीं करना है, यहां कितना करेंगे देखिए भैया 2 वर्ष 6 माह में कितना, क्योंकि छमाही है ना, तो हम समय को भी छमाही में बदलेंगे, क्या होगा 5 छमाही, तो के घाते कितना करेंगे 5 निकालेंगे, तो जो भी आपका आएगा आपका क्या होगा अब मिश्रधन होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर देखिए तिमाही कर देगा तो भैया ये वर्ष में इतना है तो तिमाही में आपको कितना करना है, तो इसी तरीके से आपका 6 महीने का निकालेंगे तो 3 महीने का करेंगे तो गुणते 3 करेंगे तो आपका आएगा 3/2 वर्ष, तो इस तरीके से आप लोगों को करना पड़ेगा तब जाकर के आप लोगों का आंसर आएगा, समझ रहे हैं मेरे दोस्तों। तो मैंने जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाते वक्त ऐसे टाइप के जितने भी कॉन्सेप्ट थे आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझा दिया है, तो उम्मीद नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग गलती नहीं करेंगे मेरे दोस्तों। चलिए और क्वेश्चनों को लेते हैं। चलिए दोस्तों देखिए एक क्वेश्चन जो है इस प्रकार का आप लोगों का पूछा जा सकता है, कह रहा है देखिए कि 15x³ - 20x² + 13x - 12 में 3x - 6 से भाग देकर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है समझिए आपका फोकट का नंबर दे रहा है, अगर इसको आप नहीं कर पा रहे हैं समझिए अरे ये भाग देने के लिए कह रहा है,
और भाग देने का देखिए आप लोगों को एकदम रामबाण तरीका बताएंगे, कभी भी आप गलत नहीं करेंगे मेरे दोस्तों, समझिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे भाई, जैसे लिखना होता है इसको लिख ही लेंगे। देखिए क्या आपका, देखिए 15x³ - 20x² + 13x - 12 है। इसके बाद क्या करेंगे, भाग किसका देना है, देखिए 3x - 6 का भाग देना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग देखिए क्या करिएगा, कुछ भी नहीं कर, मैं पूछता हूं 3x - 6 में मैं क्या किसका गुणा करूं 15x³। ऐसा क्वेश्चन बहुत आप लोगों को बताया जाता है, मैं देखिए एकदम तरीका अच्छा बता रहा हूं। इसका पहला पद इसका ले लीजिएगा और इसका पहला पद ले लीजिएगा। इसका पहला पद क्या है, देखिए 15x³ जैसे है, देखिए 15x³। इसके पहले पद में क्या करिएगा, ये जो बाहर का पहला पद है, पहला पद क्या है, देखिए 3x, इसका आपको भाग दे देना है। क्या है, भाग दे देना है, काटेंगे देखिए तो ये कट जाएगा, 3 + 5 आपका 15 आएगा। तो आपका आएगा देखिए काटने के बाद कितना, 5x² ये आया ना। अब इसको आपको यहां पर लिख लेना है 5x², कहने का मतलब अब ये जो 5x² है उसका इसमें भी गुणा करना है और इसी का इसमें भी गुणा करना है। तो चलिए गुणा कर लेते हैं, 5x² का 3x में गुणा करेंगे तो कितना आपका आएगा, देखिए 15x³ आ गया। इसके 5x² का -6 में गुणा करेंगे क्योंकि यहां पर देखिए आपका प्लस है, तो 5 × 6 कितना होगा आपका, देखिए 30। तो माइनस का क्या होगा आपका, देखिए 30 और x² हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करते हैं, देखो दोस्तों घटाते हैं तो हम भी घटा देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो आपका प्लस हो जाएगा। देखिए ये तो आपका कट जाएगा, अब देखिए 30x² प्लस हो गया, 30x² में से आप 20x² घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, देखिए 10x² आएगा। इसके बाद क्या है आपका, आगे वाला उतार लेंगे, 13x आ जाएगा, ठीक है। इसका -12 को भी उतार लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब आपको फिर पहला वाला पद लेना है, क्या है पहला वाला टर्म, 10x², फिर 10x² में आपको क्या करना है, किससे भाग देना है, इसी 3x का, किसका, इसी 3x का भाग देंगे। जब 3x से भाग देंगे तो एक ही आपका कट जाएगा, कट गया। अब देखिए इसका 3 से करेंगे तो आपका देखिए भाग देंगे तो जाएगा नहीं, तो आपका आएगा देखिए 10/3, एक्स कितना आएगा, 10/3। अब क्या करेंगे दोस्तों, 10/3x का अब हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, कितने का हमें गुणा करना है, देखिए प्लस का 10/3x का, ठीक है। तो 10/3x का जब हम 3x में गुणा करेंगे, किसमें, देखिए 10/3x का जब हम 3x में गुणा करेंगे, देखिए 3 से तो आपका 3 कट जाएगा, कट जाएगा। अब क्या होगा, देखिए 10x का x में गुणा करेंगे तो आपका आएगा कितना, देखिए 10x² कितना आएगा, 10x² जब इसमें गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा देखिए 10x² अब देखिए 10/3x का जब -6 में गुणा करेंगे, देखिए कितना है, देखिए 10/3x का जब हम गुणा करेंगे किसमें, 6 में गुणा करेंगे, तो 3 दुना का कितना होगा आपका 6, तो 10 दुना कितना होगा आपका 20x, कितना होगा 20x, लेकिन प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो आपका आएगा -20x, ये आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए घटाएंगे, देखिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका कट गया। अब देखिए 20 में जब आपका 13 जुड़ जाएगा तो कितना होगा आपका, देखिए 33x हो जाएगा, अब माइनस का क्या होगा आपका 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 12 हो जाएगा। फिर वही प्रक्रिया आप करेंगे, कितना है आपका, देखिए 33 है, तो अब 33x में आप कितने का भाग देंगे, फिर वही किसका भाग देंगे, 3x का भाग देंगे। जब 3x का भाग देंगे तो देखिए x से x कट जाएगा, इसके काटेंगे तो आपका आएगा कितना, देखिए 11। अब किसका आपको 33x करने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा, प्लस का 11 का, ठीक है। अब 11 का 3 में गुणा करेंगे तो 11 × 3 कितना होगा आपका, 33x हो जाएगा, 33x। अब देखिए 11 का -6 में गुणा करेंगे तो 11 × 6 = 66, तो माइनस कितना हो जाएगा आपका, 66 हो जाएगा। फिर वही ये माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, इसको काट देंगे, 6 में से 2 गया आपका 4 और 5 में से क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पर 6 में से 1 गया 5, आपका प्लस का कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 54 आ जाएगा। तो ये जो 54 होगा ये क्या होगा मेरे दोस्तों, आपका शेषफल होगा, क्या होगा, 54 जो होगा आपका ये शेषफल होगा, और ये जो आपका होगा ये क्या होगा मेरे दोस्तों, भागफल होगा। तो इस प्रकार का यदि क्वेश्चन आएगा तो मुझे यकीन है कि आप दोस्तों करके आएंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को करते हैं। अब एक जो अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग श्योर समझ लीजिए करके जाइएगा मेरे दोस्तों, यकीन करिए कि यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन जैसे देखिए इस प्रकार का दिया है, देखिए कि 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए जिसका केंद्र O है। इस वृत्त की दो त्रिज्याएं OA तथा OB इस प्रकार खींचिए कि कोण AOB बराबर 120 अंश, बिंदुओं A और B से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचें जो एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करें। रचना भी करिए,
एक इस प्रकार से, तो देखिए सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं कि कैसे होगा। देखिए मैंने पूरा वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना पूरा अच्छे तरीके से प्लेलिस्ट बनाकर किया है। यदि आप लोगों को वहां पर करना है तो जाकर के देखिए पूरा अच्छे तरीके से डिटेल में बताया है, आपका दिमाग में बैठ जाएगा। लेकिन फिर भी यहां पर मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने का। क्या कहा, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त करिए। आप क्या करिएगा कि 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लीजिएगा, जो जो ये बोलेगा वैसे खींच। मान लेते हैं कि ये 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। अब कह रहा है जिसका केंद्र, भैया मान लेते हैं कि इसका जो केंद्र है वो आपका क्या है, ओ है। क्या है केंद्र आपका? ओ है। पहला काम इतना आप लोगों ने करना है। दूसरा काम कह रहा है देखिए इस वृत्त पर दो त्रिज्याएं OA और OB इस प्रकार खींचना है कि उनके बीच 120 अंश का कोण हो। तो आप क्या करिएगा, पहले वृत्त पर कोई एक बिंदु मान लीजिएगा, मान लेते हैं ये बिंदु आपका A है। अब इसको क्या करिएगा, इससे मिला दीजिएगा। क्या करिएगा आप, मिला दीजिएगा। अब क्या करिएगा कि इसके बीच, अब देखिए यही से एक आपका चाप ऐसे प्रकार से लेकर के या चादा से चाहे किसी भी तरीके से यहीं पर देखिए 120 अंश का कोण बनाना है। 120 अंश का कोण, तो या तो चादा से करेंगे, देखिए पहला काटेंगे 60, दूसरा काटेंगे 120, फिर इसे मिला देंगे, देखिए ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके बीच जो एंगल होना चाहिए वो कितने का होना, 120 अंश का। तो चाहे आप पटरी और प्रकार से बना सकते हैं या चादा से बनाइएगा। तो दूसरा बिंदु क्या होगा आपका, ओबी होगा। तो ओए और ओबी के बीच जो एंगल बनेगा 120 अंश बनेगा। दूसरा काम ए समझ में आ गया। अब तीसरा आपको काम करना क्या है कि कहां से ए से 90 अंश का कोण बनाना है। क्या होता है, ए से 90 अंश का कोण बनाता हुआ, तो पहला काटेंगे 60, दूसरा काटेंगे 120, इसका अर्धक काटेंगे मान लेते हैं इस टाइप से। वही काम यहीं से भी करना है, ऐसे मान लेते हैं भाई करेंगे। तो पहला आप काटेंगे, देखिए तो पहला काटेंगे तो आपका क्या होगा, किस तरीके से देखिए, हाँ पहला काटेंगे तो आपका 60 होगा, दूसरा काटेंगे तो 120। अब फिर क्या करेंगे, अर्धक कर देंगे इस तरीके से और इस तरीके से। जब इसको आप खींचेंगे मेरे दोस्तों तो ये इस तरीके से जाएगा। और देखिए 90 डिग्री, मतलब 90 अंश का कोण बनाते हुए यहाँ से और यहाँ से स्पर्श रेखा खींचना है। तो यहाँ से इसको अगर खींचेंगे ऐसे करते हुए तो ये जाएगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं बिंदु आपके बाहर कोई बिंदु पी है, तो ये जो बिंदु होगा आप समझिए, तो ये आपका देखिए कुल मिला करके देखिए बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करे। तो भाई बिंदु पी पर ये दोनों क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। अब रचना भी करिए तो आप रचना के चरण में क्या करेंगे, देखिए इस तरीके से आप लोग निकालेंगे। पहले क्या किया हम लोगों ने दोस्तों, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। इसके बाद क्या किया, वृत्त पर एक बिंदु ए लिया, कोई भी बिंदु ए लिया। अब ए को हम क्या किया, वृत्त के केंद्र ओ से मिलाया। अब यहां पर केंद्र ओ से 120 अंश का कोण बनाती हुई एक और रेखा खींचा जो क्या है, ओबी है। ठीक है, अब ए से और बी से 90 अंश का कोण बनाती हुई दो रेखाएं खींचा जो बिंदु को, जो एक दूसरे को पी बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो इस प्रकार से इसकी रचना हो जाती है। और ध्यान रखिएगा, दूसरा तरीका आपका एक ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त खींचिए जिसका केंद्र ओ है, और मतलब इस प्रकार से आपको वृत्त खींचना है कि ये जो स्पर्श रेखाएं हो इसके बाहर एक दूसरे को क्या हो, 70 अंश पर क्या करें, प्रतिच्छेद करें। तो जब ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे मान लेते हैं पूछ देता है मेरे दोस्तों, तो आपको क्या करना है, देखिए कि 180 में से जो ये जो बाहर वाला बोलेगा उसको घटा देना है। क्या करना है, उसको घटा देना, 110 अंश। अब आपको क्या करना है, यहां से 110 अंश का तब कोण बनाएंगे। क्या करेंगे, 110 अंश का कोण बना करके मान लेते हैं ये यहां आया, ये यहां पर आया, फिर अगर प्रतिच्छेद आप करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहां पर जो कोण बनेगा वो ऑटोमेटिक आपका 70 अंश बनेगा ही मेरे दोस्तों, क्योंकि इसका और इसका जो योग होता है आपका देखिए ऑलरेडी 70 ही बनेगा मेरे दोस्तों। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा और इसका करके जाइएगा मेरे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है थियोरी में कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अगर वृत्त पर कोई बिंदु हो तो कितनी स्पर्श रेखा, तो आप बताएंगे एक स्पर्श रेखा। कितना मेरे दोस्तों, एक स्पर्श रेखा। यदि कोई वृत्त है इसके बाहर अगर कोई बिंदु है तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो दो स्पर्श रेखा। कितनी स्पर्श रेखा मेरे दोस्तों, दो स्पर्श रेखा। यहां पर मैंने खींचा देखिए एक ये और एक, अरे वृत्त पर कोई बिंदु है तो कितनी स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ध्यान रखिएगा और दिमाग में बैठा करके जाइएगा कि यहां से आप लोगों का एक क्वेश्चन जरूर और जरूर बनेगा। और दूसरा एक काम और आप कर लीजिएगा, शेयर तथा लाभांश और बैंकिंग जरूर पढ़ के जाना मेरे दोस्तों, देख लेना, वहां से आप लोगों का जरूर थियोरेटिकली क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा मेरे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो एक और क्वेश्चन है आपका, बहुत ही बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन है, और इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आप लोगों का पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है देखिए, कि एक ठोस घनाव की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में 4:5:5:6 है। क्या है देखिए, आपका घनाव है, तो हम क्या कर लेते हैं, एक घनाव बना लेते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी करके मैं दोस्तों क्या करता हूं, एक घनाव बना लेता हूं। ठीक है, ये आपका समझिए,
ये और ये, ठीक है। ये मैंने एक एक घनाभ बना लिया, जल्दी से करके घनाभ बना लिया। कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में 4:5 है, 5:5 है, 6 का अनुपात है। 6 का अनुपात में है, लेकिन क्या रियल में क्या इनकी लंबाई 4 ही थी और 5 ही थी और 6 ही थी? नहीं मेरे दोस्तों, मैं बार बार, एक बार नहीं मैं हजार बार बताता हूं कि जैसे अगर आपका मान लेते हैं लंबाई 10 है, चौड़ाई इसका मान लेते हैं 15 है और ऊंचाई आपका मान लेते हैं 20 है, इस तरीके है। तो जब मैं अनुपात लगा निकालता हूं तो इन दोनों में जो कॉमन होता है वो क्या होता है मेरे दोस्तों, क्या होता है आपका? देखिए इन दोनों में जो आपका, तीनों में जैसे आपके देखिए 3 का अनुपात है, तीनों में जो आपका कॉमन होगा क्षमा करिएगा, वो क्या होता है? कट जाता है। क्या होता है मेरे दोस्तों? कट जाता है। जैसे लंबाई अगर इसकी मान लेते हैं 15 हो, ये आपका मान लेते हैं ये 10 हो, ये आपका मान लेते हैं 20 हो, जब अनुपात निकालेंगे ये 2:3:5 आएगा। तो क्या ये वास्तव में लंबाई यही थी? नहीं मेरे दोस्तों, इन तीनों में जो कॉमन था वो संख्या क्या थी? कट गई। तो अब हम मान लेते हैं, अब ऐसा जब हो जाता है तो हम मान लेते हैं कि हमें तो पता नहीं है कि इसमें कॉमन क्या था, लेकिन इतना मान लेते हैं कि लंबाई में कॉमन क्या था? एक्स रहा होगा। जैसे देखिए ये 4 है, 4:5 क्या है? 6 दिया है। तो मान लेते हैं कि ये 4 इसमें भी हो, एक्स हो और एक्स हो, जब अनुपात करें तो एक्स 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 तीनों में से कट गया हो, है कि नहीं मेरे दोस्तों? तो हम मान लेते हैं कि जो लंबाई है, माना जो लंबाई है वो क्या है आपका? 4x है, और चौड़ाई क्या है मेरे दोस्तों? 5x है, और ऊंचाई क्या है आपका? देखिए 6x है। समझ में आया है तब मेरे दोस्तों? अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इतना का अनुपात है, उसका आयतन 960 घन सेंटीमीटर है। तो घनाभ की मापे, मापे मतलब वही लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पूछ रहा है। तो हमने तो यहां तक लिख लिया। अब देखिए घनाभ का आयतन आपका दिया ही है, तो हम यहां से निकाल लेंगे। देखिए घनाभ का आयतन बराबर कितना दिया? देखिए 960 कितना दिया है? देखिए 960। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? देखिए लंबाई गुरुत्वे चौड़ाई, गुरुत्वे क्या होता है? देखिए ऊंचाई, LBH होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है, यही होता है, बराबर हो जाएगा देखिए 960, ठीक है मेरे दोस्तों। लंबाई कितना है? देखिए 4x है, कितना है? 4x है। चौड़ाई कितना है आपका? देखिए 5x है, और ऊंचाई कितना है आपका? देखिए 6x है। मैंने माना है, अब देखिए यहाँ पर अनुपात नहीं है, ये देखिए सीधे मैंने माना कि लंबाई 4x है, चौड़ाई 5x है, ये 6x है, ये वास्तव में है आपका, ये आपका अनुपात है। अनुपात निकालेंगे तो x क्या होगा? कट जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा? देखिए 960। अब देखिए हम क्या करते हैं, देखिए इसका अगर मैं करूँ तो देखिए 6×5=30 होगा, ठीक है। नहीं, पहले मैं ऐसे ही काट लेता हूँ। देखिए 4 से अगर मैं इसको काटूंगा, देखिए तो 24×4 कितना होगा आपका? 96 होता है। 24×4=96 होता है कि नहीं होता है? हो गया, तो आपका इससे कट जाएगा, क्योंकि नहीं कर 4×2=8, 4×4=16, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए इससे अगर मैं काटूंगा, देखिए तो 6×4=24 40 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 40। तो देखिए अब आपका बचा कितना? देखिए आपका 5 बचा, देखिए 5×8=40 8 आया। तो देखिए यहाँ पर देखिए x x x बचा, तो x का क्यूब बराबर कितना आपका आया? 8। तो x बराबर करेंगे तो कितना होगा आपका? करड़ी में 8 हो जाएगा, यहाँ पर 3, तो घनमूल निकालेंगे तो x बराबर क्या होगा? 8 को अगर मैं लिखूंगा तो 2×2×2 होगा। जब इसका 3 का पेयर बनाऊंगा तो x का मान कितना आपका आ जाएगा? देखिए 2 आ जाएगा। तो माप पूछ रहा था तो लंबाई कितनी थी? 4x थी। तो 4 में जब आप 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका? 8 सेंटीमीटर। कितना लंबाई आपका? 8 सेंटीमीटर आएगा। ये 5x है तो ये आपका होगा, देखिए 5×2 बराबर आपका कितना आएगा? देखिए 10 सेंटीमीटर आएगा, 10 सेंटीमीटर। ये कितना है? देखिए 6x है तो 6×2 कितना होगा आपका? 2, 6×2 कितना होगा आपका? 12 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं मेरे दोस्तों? निकाल सकते हैं। और यकीन नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये जो मैं बात बता रहा हूँ समझ में आ रही होगी मेरे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं। देखिए इस प्रश्न का लगभग आप जान लीजिए इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इस प्रश्न को बहुत ज्यादा वेरी 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन को आने का जहां तक मेरा अनुभव है 90% है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। क्वेश्चन क्या, देखिए x²-1-2y-y², इसका आप लोगों को गुणनखंड करना है। एक बार खुद से वीडियो को रोक करके सॉल्व करके देखिए क्या आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद करिएगा। चलिए मैं आपको समझा देता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए आपका एक्स तो स्क्वायर आप करेंगे ही, लेकिन माइनस कॉमन जब लेंगे तो इसको क्या करना है आपको? अंदर बना लेना है। क्या करिए मेरे दोस्तों? अंदर रख लीजिए, क्योंकि इसके बाद इसके अलावा और कोई आप गुणनखंड कर ही नहीं पाएंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा 1 और प्लस क्या होगा? देखिए 2y
और प्लस क्या होगा आपका वाई स्क्वायर, क्या होगा आपका वाई स्क्वायर। अब इसको समझिएगा, देखिए कि एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखिए इसको वन का स्क्वायर कर सकते हैं, देखिए वन का स्क्वायर और प्लस टू वाई और प्लस वाई का स्क्वायर। तो ये आप लोगों को कुछ इस तरीके से ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है देखिए कि ए का स्क्वायर प्लस टू ए बी और प्लस बी का स्क्वायर, यही कुछ होता है, यही कुछ होता है मेरे दोस्तों, यही होता है। तो अब हम क्या ये देखें, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के रूप में दिख रहा है, तो क्या मैं इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में नहीं लिख दूंगा, लिख दूंगा। तो हो जाएगा देखिए एक्स का स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे देखिए वन प्लस वाई या वाई और प्लस वन का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि इसका फेर करेंगे तो वही वाई स्क्वायर प्लस वन और प्लस टू वाई आ जाएगा। अब देखिए इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जब फॉर्मूला होता है क्या होता है, देखिए ए प्लस बी और a माइनस का b, ये होता है फॉर्मूला मेरे दोस्तों। तो वही यहाँ पर लगा दीजिए, तो ये देखिए x प्लस, एक बार प्लस कर देंगे तो y प्लस वन, भाई b की जगह पे पूरा ये b और इसको a मान लीजिए, ठीक है। तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो x माइनस करेंगे तो ये भी माइनस वाई हो जाएगा और माइनस वन हो जाएगा, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन को करते हैं। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एक आपका पूछा जरूर जाएगा, किसी तरीके से घुमा करके पूछ देता है, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। क्या कह रहा है देखिए कि चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, भैया ओ क्या है आपका वृत्त का केंद्र है, ओ बी सी, देखिए ओ बी सी बराबर कितना दिया है 15, तो बी ए सी मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए बी ए सी मतलब ये वाला एंगल पूछ रहा है, इस वाला एंगल पूछ रहा है, तथा बी ई सी मतलब आप लोगों का ये वाला एंगल पूछ रहा है, ठीक है, ये वाला एंगल का मान आप लोगों से पूछ रहा है, ठीक है मेरे दोस्तों। कैसे करेंगे देखिए समझिएगा, आप जरा समझिएगा, देखिए इस त्रिभुज की मैं बात करता हूं, देखिए त्रिभुज ओ बी सी में, देखिए त्रिभुज ओ बी सी में आपको क्या देखने को मिल रहा है, देखिए कि ओ बी बराबर ओ सी, क्यों, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है, क्या है वृत्त की त्रिज्या है मेरे दोस्तों। जब ये वृत्त की त्रिज्या है तो ये और ये आपस में तो बराबर हो गया, बराबर हो गया। तो जब त्रिभुज में आप पढ़े होंगे कि अगर दो त्रिभुज बराबर हो, क्या हो, दो त्रिभुज बराबर हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, और उसकी जब दो भुजाएं बराबर है तो उसके आमने सामने का कोण बराबर हो जाता है। तो इस भुजा के सामने ये 15 है, तो इसके सामने कोण कौन सा, ये वाला कितना हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर देंगे, क्या हो जाएगा देखिए कि कोण ओ सी बी, कोण ओ सी बी बराबर तब 15 अंश, क्यों, क्यों समद्विबाहु त्रिभुज, भाई सम सीधे लिख देंगे सम द्वि बाहु त्रिभुज, ठीक है। जब ये हो गया तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो इस तरीके से मैं करूंगा, देखिए त्रिभुज क्या, फिर से पुनः पुनः त्रिभुज किसमें, बी ओ सी में, त्रिभुज या ओ बी सी में क्या देखने का आपको मिल रहा है, देखिए ओ बी सी कोण ओ बी सी प्लस कोण ओ सी बी प्लस कोण बी ओ सी बराबर कितना होगा 180 अंश, क्यों लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोण, त्रिभुज के कौन से तीनों कोण, क्योंकि ये देखिए अगर कहा जाए तो एक त्रिभुज ही तो बन रहा है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। तो ओ बी सी तो देखिए आपका 15 है, एक इसको हम 15 लिख देंगे, प्लस ओ सी बी, ओ सी बी हम लोगों ने निकाला कितना, देखिए 15, इसको भी 15 लिख देंगे, प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 अंश। तो कोण बी ओ सी बराबर 180 में से हम क्या करेंगे, 15 15 30 होगा, तो 30 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। तो कोण बी ओ सी बराबर हो जाएगा 180 में से जब मैं 30 घटाऊंगा तो कितना होगा आपका 150 अंश हो जाएगा, कितना 150 अंश। और हमसे पूछा क्या आपका, देखिए बी ए सी, तो कोण बी ए सी बराबर 1/2 गुणते कोण बी ओ सी होगा, कोण बी ए सी बराबर 1/2 कोण बी ओ सी, ये वाला आप लोगों को कितना आया 150 अंश। तो इसका ये आपका आधा होगा, क्यों होगा, क्योंकि किसी भी चाप द्वारा केंद्र पर जो बना कोण होता है, परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दूना होता है। आप लिख दीजिएगा, जरूर लिखिएगा, देखिए जब लिखेंगे तो बहुत अच्छा मिलेगा नंबर, केंद्र पर बना कोण, बना कोण
परिधि पर, यहां पर लिखेंगे चूंकि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दुगना होता है, दुगना होता है, क्या होता है, दुगना होता है। तो कोण बी ए सी बराबर एक बटा के दो गुणित बी ओ सी, बी ओ सी का मान कितना है 150 अंश, निकालेंगे तो काटेंगे तो कितना आपका आएगा 75 अंश, कितना आएगा मेरे दोस्तों 75 अंश। तो जब देखिए बी ए सी निकल गया, आपका ये भी निकल गया, तो आपका ए नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि ये देखिए बी ई सी ए, ये क्या है आपका, देखिए चार बिंदु हैं और चारों किस पर है आपका, देखिए एक वृत्त पर है, तो क्या ये आपका चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। जब चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा तो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का ये क्या होता होता है 180 अंश होता है। तो देखिए चूंकि यहां पर देखिए कोण ए प्लस कोण ई बराबर आप लिखेंगे 180 अंश, क्यों, यहां पर लिख देंगे चक्रीय चतुर्भुज, क्या चक्रीय चतुर्भुज, यहां बस आप लिख देंगे चक्रीय चतुर्भुज तो एग्जामिनर समझ जाएगा, ठीक है। तो कोण ए तो आपका दिया, देखिए हम लोगों ने निकाला 75 अंश, और प्लस कोण ई आप लोगों को निकालना है, तो बराबर कितना होगा आपका 180 अंश। तो कोण ई बराबर 180 माइनस क्या करेंगे 75 अंश, तो आपका आएगा देखिए 105 अंश, कितना आएगा मेरे दोस्तों 105 अंश आएगा, और इस तरीके से आप सॉल्व कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा इससे रिलेटेड मेरे दोस्तों क्वेश्चंस जरूर आएगा, और ध्यान रखिएगा आप लोगों से मैं बार बार विनती कर रहा हूँ कि आप लोग बैंकिंग का जितना भी है उसको जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि बैंकिंग का मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं लिया है, क्योंकि थ्योरेटिकली क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाएगा कि चेक क्या होता है, चेक कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आप लोगों का पूछा जाएगा, और शेयर तथा लाभांश से भी पूछ लीजिए, पूछा जरूर जाएगा मेरे दोस्तों। ये दो चीज़ें आप लोग जरूर ले लीजिएगा, श्योर है कि आप लोगों को मैंने करा ही दिया है, और इसका जो है वीडियो जो है बहुत ज़्यादा है नहीं, एक आध वीडियो है, एक दो वीडियो है, उसको जरूर देख करके थ्योरेटिकली करिएगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं मेरे दोस्तों। चलिए दोस्तों आज की जो आप लोगों की मैराथन वीडियो थी या पेपर आउट वीडियो थी, इस वीडियो का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण तीसरे कोण से चार गुना है। त्रिभुज कैसा है, सम द्विबाहु त्रिभुज है, तो मान लेते हैं देखिए कि ए बी सी ये समद्विबाहु त्रिभुज है, मान लेते हैं ये भुजा और ये भुजा आपकी बराबर हो गई, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण, तो मान लेते हैं भाई तो ये कोण और ये कोण आपका इसका समान होगा, यही समान होगा, क्योंकि ये भुजा है तो इस भुजा के सामने का ये कोण, इस भुजा के सामने का कोण, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यहां तक हो गया, तो कह रहा है कि यदि समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण तीसरे कोण से चार गुना है, तो भाई ये वाला तीसरा कोण तो यही वाला होगा, तो मान लेते हैं ये कोण यक्ष है, तो ये भी इसका चार गुना है और ये भी चार गुना है, ये होगा, ठीक है। तो यहां पर हम मान लेंगे कि माना क्या, तीसरा कोण कौन सा, तीसरा कोण क्या है मेरे दोस्तों, एक्स है, तो ये सभी कोण क्या हो जाएंगे, अन्य कोण, तो लिखेंगे देखिए अन्य कोण कितने हो जाएंगे, देखिए आपका चार एक्स, ये हो जाएंगे। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान आपसे पूछ रहा है, तो हमने माना देखिए, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश हो जाता है, लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है, अतः हम क्या करेंगे, देखिए एक कोण इसका क्या है यक्ष है x, और प्लस एक कोण कितना आता है देखिए चार यक्ष है, और अगला कोण कितना है देखिए चार यक्ष है, इन सब का जब योग करेंगे तो 180 अंश आएगा, तो चार चार आठ एक कितना होगा नौ यक्ष बराबर आपका 180 अंश आ जाएगा, तो x बराबर कितना होगा आपका देखिए 180 बटा के नौ, तो कितना होगा आपका देखिए 20 अंश आ जाएगा, कितना x का मान आपका आया कितना आपका देखिए 20 अंश। तो सभी कोणों को पूछ रहा है, देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात करिए, तो एक कोण आपका 20 अंश आ गया, कोण बी अगर दिखाए देखिए तो कोण बी बराबर आपका आएगा देखिए चार एक्स है, तो आपका हो जाएगा देखिए चार गुणते, ये देखिए कोण ए का मान है, ठीक है, ये चार गुणते कितना होगा आपका देखिए 20, चौके कितना हो जाएगा आपका 80, कितना हो जाएगा आपका 80 अंश, कोण सी बराबर भी कितना है आपका देखिए चार एक्स है, तो चार गुणते कितना होगा आपका 20, तो बराबर कितना आपका आएगा 80 अंश। तो इस तरीके से है मेरे दोस्तों, हम लोगों ने लगभग जैसे 20 से 25 क्वेश्चनों को मेरे दोस्तों डिस्कस किया है आप लोगों के सामने,
मेरी आत्मा नहीं, मेरा दिल से दुआएं हैं आप सभी के साथ, हमेशा मेहनत करने वालों की कभी, मेरे दोस्तों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और यकीन नहीं, पूरा विश्वास है कि यहीं से क्वेश्चन फंसेगा मेरे दोस्तों। मैं जाते जाते आप सभी को मेरे दिल से शुभकामनाएं हैं, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। मैं जाते जाते आप लोगों से यही आग्रह करूंगा मेरे दोस्तों कि अगर नहीं देखा है तो इसको, वीडियो को जहां पर भी प्रॉब्लम है उसको दोबारा देखिए, और दो तीन चीजों का आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। भाई समुच्चय में तो बहुत ज्यादा मैंने करा ही दिया है, लगभग मैंने 5 से 6 क्लासेस रिवीजन के लिए हैं, उसमें से बाहर कभी नहीं होगा। बस मैंने देखे इस मैराथन क्लास में, देखे समुच्चय का मैंने कोई क्वेश्चन नहीं लिया है, उसका रीजन है कि कई बार मैं ले चुका हूं। अगर आप देखे होंगे तब तो बहुत बढ़िया है। और एक बात और है कि आप सभी से मैं बार बार कह रहा हूं कि बैंकिंग और क्या है, आप लोगों को देखिए बैंकिंग और शेयर तथा लाभांश इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन आप लोगों का जरूर पूछा जाएगा। और कुछ थियोरेटिकली क्वेश्चन पूछ सकता है तो उसको आप कभी कर सकते हैं, जैसे कोरों की संख्या कितनी होती है, ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जा सकता है, तो उसके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में आप लोगों को बता दिया है मेरे दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी, और नए होइएगा तो पेपर के बाद आइएगा और मिलाइएगा कि कितना क्वेश्चन फंसा, तब मेरे को जो कहना होगा मेरे दोस्तों आप जरूर कहिएगा, अपना राय जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, लगभग रात को अगर मैं देखूं तो घड़ी में मेरे दोस्तों आपका 2 बजने चले हैं और मैं 10 बजे से वीडियो बना रहा हूं, तो आप लोगों का लगभग मेरे दोस्तों 3, 11, 12, 1, 2 लगभग 4 घंटे में मैं आप लोगों का 2 घंटे का वीडियो बनाया हूं। तो एक लाइक और ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, पेपर से पहले जब कोई भी बंदा पेपर में बैठे तो खुश हो जाए मेरे दोस्तों। इस वीडियो की समाप्ति करते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, आप सभी को शुभकामनाएं, जय श्री राम।